राइट, व्हाट्स गोइंग ऑन माय लवलीस्ट एंड डियरेस्ट पीपल आउट देयर, वेलकम टू जस्ट पढ़ले। आज पहला लेक्चर होने वाला जस्ट पढ़ले के ऊपर, जो कि होने वाला है मोशन का। बहुत तगड़ा मजा आएगा गाइस इसके अंदर, क्योंकि हम बहुत सारा मस्ती मजाक करेंगे। और जितनी जल्दी हो सके, देखो ज्यादा लंबा हम खींचने की कोई जरूरत नहीं है, जितना हमारे लिए सफिशियंट है और जितने हमको समझने में आना चाहिए उतना वो मैं तुमको सब बताऊंगा। तुमको पढ़ना कैसे वो मैं तुमको पहले बता चुका हूं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा देना, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि भाई इस चैनल के ऊपर लेक्चर जो वो आएंगे बहुत तगड़े तगड़े, बिल्कुल ऐसी दोस्ती और मस्ती मजाक वाले सारे लेक्चर होने वाले। तो आज जो हम करेंगे मोशन, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं जो मोशन चैप्टर होने वाला है। पहली बात तो तुमको बता दूं कि पढ़ना कैसे है। तुम पहले अगर तुमने इस चैप्टर को पढ़ने के पहले एक बार तुम एनसीईआरटी रीड कर लो तो वेल एंड गुड, अगर तुमने नहीं किया तो तुम इस वीडियो को देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी जरूर रीड करना। उसके बाद में तुमको एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और बैक क्वेश्चन सॉल्व करने। अब इसके लिए भी मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें तुमको लाइव इंटेक्स्ट और बैक क्वेश्चन करवा रखे हैं, वो हालांकि बहुत पिछले साल की स्ट्रीम है, बट तुम उसको अभी भी चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा तुमको जो नोट्स मिलेंगे इस चैप्टर के, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वो नोट्स तुमको देखने, जो तुमको क्विज मिलेगी वो भी डिस्क्रिप्शन में है, वो क्विज भी दे देनी है। और तुमको उसके बाद में, मतलब अगर तुम इतना कर ले तो ऑलमोस्ट तुम्हारा चैप्टर पूरी तरीके से प्रिपेयर हो गया, और तुम्हारे पास में दो दिन का टाइम भी है, क्योंकि अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा फ्राइडे को सोशल साइंस का। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि भाई यहां पर तुमको सबसे पहले तो हैंड रिटन डिजिटलाइज्ड नोट्स देखने को मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगी, तुम उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। मोशन चैप्टर जैसे हर चैप्टर के तुमको नोट्स मिल जाएंगे। और अगर तुम लोगों ने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो पढ़ले.in को भी फॉलो कर लो इंस्टाग्राम के ऊपर, यहां पर बहुत सारे अपडेट्स आते हैं। और मुझे पर्सनली भी फॉलो कर सकते हो @konpranay, यहां पर मैं ऐसे थोड़ी मस्त बिहाइंड द सीन वगैरह डालता रहता हूं, कुछ ऐसी पॉजिटिविटी वाली चीजें मैं शेयर करता हूं। अगर तुमको सबसे तगड़ा मटेरियल चाहिए, अगेन पढ़ले.in तुमको पता ही है, और तुमको वहां पर एक क्विज भी देखने को मिलेगी। अब देखो जैसा कि मैंने तुम लोगों को स्केड्यूल बताया कि स्केड्यूल हमारा कैसा होने वाला है, तो स्केड्यूल के हिसाब से हमारे पास में क्या होगा, देखो एवरी ट्यूसडे, जैसे आज तो हम लेट हो गए, मैंने तुमको कल भी बताया था, ट्यूसडे के दिन हमारा आएगा साइंस का वीडियो, ठीक है, फिर फ्राइडे के दिन हमारा आएगा सोशल साइंस का वीडियो, ठीक है, और सैटरडे को हम करेंगे इन दोनों का रिविजन। रिवीजन मतलब इसके अंदर हम क्वेश्चन जो मैं तुमको बता रहा हूँ ना कि इंटेक्स और बैक क्वेश्चन करने का, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेना, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वो जो सैटरडे के दिन प्रैक्टिस होगी वो पोल बेस्ड होगी, मतलब लाइव सेशन होगा और लाइव तुम पोल के आंसर दे सकते हो, टोटली फ्री होगा वो भी। तो सैटरडे के दिन वो होगा हमारा, और संडे के दिन हम करेंगे मैथ्स। अब मैंने तुमको क्या बताया कि मैथ्स में हम स्कोरिंग टॉपिक्स को उठाएंगे, ऐसे चैप्टर जो कि कम टाइम में ज्यादा नंबर ला के दे सकते हैं। तो इस संडे को मैं करने वाला हूं दो चैप्टर, जो कि होगा हेरॉन्स फॉर्मूला और पॉलीनोमियल्स। तो इन दोनों ही क्लासेस में तुम अभी से एनरोल करके रख सकते हो, टोटली फ्री क्लासेस हैं, ठीक है। एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में तुमको दोनों क्लासेस के लिंक मिल जाएगी, तुमको बस नोटिफाई मी पे क्लिक करना है, और तुमसे जब भी कोड मांगे तो तुमको कोड डालना है PC001, ये कोड डाल के तुम एनरोल कर सकते हो। और तुमको पक्के से आना ही आना है, क्योंकि मैं तुमको ऐसा बहुत ज्यादा दिन भर पढ़ने का नहीं बोल रहा हूं, बट जितना बोल रहा हूं अगर तुम उतना कर लेते हो, वो भी मस्ती मजाक के साथ में, तो तुम्हारा काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही चिल्ड तरीके से तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब हम ज्यादा समय गवाते नहीं और डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ठीक है। मैं तुमको बताता हूं बिल्कुल बेसिक्स से, ठीक है। अब देखो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि ये जो जब मैंने पिछले सेशन को पढ़ाया था तब क्या होता कि उन लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा पढ़ रखा था, अभी हो सकता है कि तुमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो। तो मैं तुमको बताता हूं कि भैया सबसे पहले फिजिक्स क्या है। भाई यार आप तो बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हो जैसे वो धमाल धमाल देखी तुम लोगों ने, उसमें वो सीन होता है ना जिसमें एरोप्लेन में फंस जाते हैं वो क्या नाम है उसका, बमन और उसके पापा, और वो किसी हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करता है, तो वो बिल्कुल आराम से बताता है कि बिल्कुल प्लेन से उतरने से पहले हम प्लेन के बारे में जानेंगे, प्लेन को जानने से पहले हम प्लेन में कितने टायर वो सब जानेंगे। तो मैं तुमको बताता हूँ फिजिक्स क्या है। भाई देखो फिजिक्स बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी चीज़ है, कुछ नहीं है, फिजिक्स स्टडी डीलिंग विद नेचुरल फिनोमेनास, मतलब जो भी नेचुरल फिनोमेना, जैसे लाइट हो गई, अभी जो लाइट लगी मेरे सामने, ठीक है, जो स्टूडेंट लाइट लगा करके वाले की बहुत खतरनाक है, आंख पे बहुत लोड पड़ता है, बट कोई बात नहीं, ठीक है, इतनी ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये जो लाइट है ये क्या है, नेचुरल फिनोमेना। अरे लाइट वहां से यहां तक आ रही है तो क्या कोई भयू लेके आ रहा है, कोई गट्टू लेके आ रहा है कि चलो लाइट यहां से लेके वहां तक चलो, नहीं, वहां से यहां तक आ रही है, सिंपल नेचुरल फिनोमेना। हालांकि लाइट बनने में मैकेनिकल प्रोसेस थी, बट एक तरीके से अगर तुम नेचुरल लाइट को देखो, ये लाइट तो चलो एक हमने क्या किया, सूरज की लाइट आती है उससे आइडिया ले लेके सारी लाइट्स बनाई है। तो अब सूरज की लाइट आती है, अब सूरज को देख लो, वो तो नेचुरल फिनोमेना है ना, तो वो क्या हो गई, एक तरीके से फिजिकल प्रोसेस हो गई, हालांकि उसमें बहुत सारी केमिकल प्रोसेस वो सब इन्वॉल्व है, बट एक तरीके से स्टडी डीलिंग विद नेचुरल फिनोमेना। जैसे कि ये पेड़ है, अब पेड़ के ऊपर से सेब फल गिर गया, पेड़ के ऊपर से सेब फल बोलते हैं उसको वैसे, या फिर एप्पल गिर गया, ठीक है, हिंदी भाषा थोड़ी ज्यादा प्रयोग हुई, ज्यादा फील आ गई, तो एप्पल गिर गया, अब एप्पल अपने आप गिरा, ठीक है, नेचुरल फिनोमेना, किसी ने बोला तो था नहीं कि एप्पल गिर, है ना, एप्पल, और गिर बोला भी हो तो भी एप्पल नीचे गिरा, ये तो नेचुरल फिनोमेना है, कोई रस्सी से बांध के तो नीचे नहीं ला रहा था उसको, ठीक है, आवाज आ रही है, तो मैं तुम लोग मैं बोल पा रहा हूं, मेरी आवाज मैं मतलब चलो ये तो माइक के थ्रू जा रहा है, पूरा डिजिटल प्रोसेस है, बट मान लो मेरे पास में कोई बैठा हुआ है तो मैं उसको जो बोल रहा हूँ वो एक नेचुरल प्रोसेस है, बोल रहा हूँ तो भाई उसको सुनाई दे रहा है, यहाँ से आवाज अपने आप जा रही है, ठीक है, ये कार चल रही है, मस्ती, ये सब क्या है, एक तरीके से फंडामेंटली देखो तो ये जो मोशन है, ये जो चलना है, ये बॉटल यहां से, हालांकि मैं उसको उठा रहा हूं, बट वो भी एक तरीके से ऐसे बेसिक फंडामेंटल तरीके से देखो तो नेचुरल प्रोसेस है सब कुछ,
ठीक है ओके, ज्यादा डिटेल में तुमको नहीं समझना, बस इतना ध्यान रखो कि ये है, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि फिजिक्स क्या होता है। ठीक है चलो अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर जो कि है फिजिकल क्वांटिटीज। भैया फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? देखो हो सकता है तुमने इनका नाम सुना हो या नहीं भी सुना हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं तुमको बता देता हूं। देखो फिजिकल क्वांटिटीज, अभी तुमने ये तो सुना होगा कि भैया किलोग्राम, मीटर, लीटर, ठीक है और क्या क्या सुना होगा तुमने, बहुत सारी चीजें, सेंटीमीटर, ये सब तुमने सुन रखी होगी। ठीक है तो इसके अलावा ये तो ये हो गई यूनिट्स, पर ये यूनिट्स किन चीजों की होती है? मास, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, ठीक है ये सारी जो चीजें होती है ये सब क्या है? ये सब क्वांटिटीज है भाई। स्पीड क्या है? क्वांटिटी है। स्पीड मतलब, क्वांटिटी मतलब क्या होता है? जिसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्पीड क्या है? स्पीड एक क्वांटिटी है। ठीक है अब स्पीड जैसे मान लो 10 किलोमीटर पर आर, तो 10 किलोमीटर पर आर एक क्वांटिटी है ना, तो 10 किलोमीटर पर आर क्या है? स्पीड। तो वही समझ रहे हो ना, मतलब स्पीड जो है क्वांटिटी है। ये जैसे मास हो गया, वेट हो गया, वेट मेरा वेट हो गया, वो क्या है? क्वांटिटी है। तो ये जो क्वांटिटीज है ना, इनको भी हमने अलग अलग दो, मेनली दो तरीकों में डिवाइड कर रखा है, दो टाइप की क्वांटिटीज में डिवाइड कर रखा है। कौन सी? स्केलर और वेक्टर। अरे बाप रे ये क्या चीज है, देखो सिंपल है। एक क्वांटिटी ऐसी होती है, मैंने तुम लोगों को क्या बोला कि भैया हम जो है इस बिल्कुल सारे कॉन्वर्सेशन जैसे करेंगे, तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लेक्चर पढ़ रहे हो, तुमको ऐसा लगना चाहिए कि तुम मेरी बातें सुन रहे हो, ठीक है हमसे बातचीत कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। ठीक है तो गप्पे मारने में हमने देखा कि भाई दुनिया में होता है दो तरीके के लोग। ठीक है हमको वो नहीं बोलते थे स्कूल में टीचर, हमको पीटी मीटिंग में हमारे पेरेंट्स को बुला के डांटते नहीं ऐसे कि सर आपके बच्चे के पास में दिमाग तो बहुत है पर इसका उपयोग करना नहीं आता है, मतलब इसके पास में लाइफ में डायरेक्शन नहीं है कि जाना कहाँ है। ठीक है दो टाइप के लोग कैसे होते हैं? एक भाई एनर्जी तो सब में सिमिलर है, दिमाग तो सबको भगवान ने सेम दे रखा है। ठीक है हमको स्कूल में ऐसे ही बोलते हैं कि ये राजू के नंबर 100 नंबर आए 100 में से 100 और तुम्हारे 10 नंबर आए 100 में से, तुम्हारे पास दिमाग तो सेम ही है, भगवान ने सेम दिमाग दे रखा है, ये चीज हमने पढ़ी है। ठीक है हाँ पढ़ी, तो भाई है तो हम सेम ही, ठीक है एनर्जी सब कुछ हमारे पास में सेम है, पर एक व्यक्ति होता है उसके पास में डायरेक्शन भी होती है, उसको पता होता है कि हमको क्या करना है और कैसे जाना है, और एक को कोई पता नहीं होता कि करना क्या है। ठीक है तो बस तुम बस इतना ध्यान रखो, मैं जो तुमको ये जो चीजें बता रहा हूँ ना एग्जाम में लिखने के नहीं है, बस तुमको याद रहे उसके फंडे बता रहा हूँ। जैसे हम 3-4 दोस्त क्लास के बाहर मिलकर ऐसे फंडे डिस्कस नहीं करते कि हम इसको याद कैसे कर सकते हैं, वो मैं तुमको बता रहा हूँ, तो तुम्हारे 3-4 दोस्तों का काम मैं कर रहा हूँ। ठीक है तो हमको जीवन में क्या बनना है? हमको बनना है वेक्टर। ठीक है वेक्टर अच्छा नाम भी है। ठीक है अब स्केलर और वेक्टर में से अगर मैं तुमको बोलूं कि कोई एक नाम रखो, अपना नामकरण करना है तुमको और अपना एक नाम रखो, तो भाई वेक्टर ही रखेंगे हम, क्योंकि वेक्टर अच्छा नाम है। तो समझो कि वेक्टर है एक आइडियल इंसान। आइडियल इंसान कैसा होता है? जिसके पास में एनर्जी भी है और डायरेक्शन भी एक लाइफ में कहा जाना है। और वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती है? जिसके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड मतलब 10 किलो या मैग्नीट्यूड मतलब 10 किलोमीटर पर आर। ठीक है उसके पास में स्पीड है पर उसके पास में डायरेक्शन भी है कि 10 किलोमीटर पर आर नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर। जब मैं सिर्फ बोलूंगा 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से मेरी गाड़ी चल रही है, तो मैंने तो बताया नहीं कि गाड़ी आगे चल रही है, पीछे चल रही है, इधर चल रही है, उधर चल रही है, किधर चल रही है, तो वो हो गया स्केलर, क्योंकि मैंने सिर्फ स्पीड बताई, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, डायरेक्शन तो है नहीं मेरे पास। ठीक है तो अब जरा हम किताबी भाषा में समझते हैं। ठीक है अभी हमने समझ लिया, कहने का मतलब स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता। जैसे स्पीड हो गई, तो स्पीड जैसे मैंने बोल दिया कि मेरी गाड़ी चल रही है 20 किलोमीटर पर आर पे, अब 20 किलोमीटर पर आर फॉरवर्ड चला रहा हूं, रिवर्स चला रहा हूं, लेफ्ट, लेफ्ट में तो नहीं चल सकते अनलेस एंड अंटिल मैं टार्जन हूं, बट आगे पीछे चला रहा हूं। ठीक है तो कहां चला रहा हूं मुझे मैंने नहीं बताया, पर अगर वहीं पर मैंने बोल दिया कि मेरी गाड़ी चल रही है 10 किलोमीटर पर आर टुवर्ड्स ईस्ट, तो मैंने क्या बोला 10 किलोमीटर पर आर मतलब मैग्नीट्यूड, टुवर्ड्स ईस्ट मतलब डायरेक्शन, तो अब मैंने क्या बताई वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर जो क्वांटिटी है, स्पीड का जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। बस तो ऑल इन ऑल कहने का मतलब बस इतना सा है, स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन होता है लाइफ के अंदर, और वेक्टर क्वांटिटी होती है असल इंसान जैसी। इंसान को कैसा होना चाहिए? कि भाई मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसको याद करने का फंडा क्या है? देखो स्केलर मतलब स्केल, तुमको पता है स्केल से हम नापते हैं। ठीक है अब स्केल पे तो 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ ही है, तो तुम उसको, तुमको क्या पता किस डायरेक्शन में नाप रहे हो, तुम कहीं भी नाप सकते हो, तो इसलिए हम स्केल। अब याद कैसे करोगे? स्केल मतलब स्केल के पास में कोई डायरेक्शन नहीं होती, मतलब स्केलर क्वांटिटी के पास में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, मैग्नीट्यूड तो होता है स्केल के ऊपर भी। और वेक्टर को कैसे याद रखोगे? वेक्टर मतलब हम एक आम इंसान कैसा होना चाहिए, एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। ठीक है इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या क्या होगी? डिस्टेंस हो गई। ठीक है डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि भाई 10 किलोमीटर चल लिया मैं, अब 10 किलोमीटर आगे चला पीछे चला कहां चला नहीं पता। वेक्टर क्वांटिटी, अब डिस्टेंस की देखो बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी है जो कि स्केलर और वेक्टर में सिमिलर क्वांटिटीज है। ठीक है बस ये है कि वेक्टर में जो क्वांटिटी उसके पास में डायरेक्शन भी होती है। जैसे वेक्टर में अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं एक तरीके से, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब कि मैं कितना डिस्प्लेस हुआ अपनी जगह से विद डायरेक्शन। जैसे कि मैं 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये मैं तुमको बेसिक आइडिया बता रहा हूँ, आगे चल के और डिटेल्स बताऊंगा। जैसे स्केलर हो गई स्पीड, तो वेक्टर हो गई वेलोसिटी,
वेलोसिटी मतलब कि स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ, यूनिट दोनों की सेम है भाई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट सेम है, मीटर और मीटर दोनों को हम मीटर मीटर लिखेंगे, पर ये चीज अलग है यहां पे, ठीक है, चलो वेरी नाइस। अब आते भैया यूनिट क्या होता है, अरे किलोग्राम, एक किलो बोलते हैं, दो किलो बोलते, किलो है क्या, किलोग्राम है क्या, किसने बोला किलोग्राम, और एक किलोग्राम आलू दे दो, तो ये तो चलो हमने मन में बिठा के रखा है कि किलोग्राम ये है, पर ये आया कहां से, किलोग्राम होता क्या था जो हमने आज सबको किलोग्राम बोलना चालू कर दिया। तो देखो यूनिट क्या होती है, यूनिट इज नथिंग बट रेफरेंस स्टैंडर्ड, हमने रेफरेंस बनाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स सेट कर लिए। जैसे हम स्टैंडर्ड कैसे सेट कर लेते हैं कि हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि भैया एक आइडियल इंसान के पास में इतने पैसे होने चाहिए, तो वो क्या है, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है, मतलब कि अगर उतना है तो वो आइडियल है। तो कहने का मतलब हमने एक अंदाजा बना लिया है कि एक किलो मतलब इतना होगा, ठीक है। अब अगर मैंने अंदाजा बना लिया कि एक किलो मतलब इतना होगा, तो पांच किलो मतलब कितना होगा, जो मेरा अंदाजा है उसके पांच गुना, ठीक है। मान लो चलो एक सेकंड के लिए मान लो कि किलोग्राम जैसे कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, कोई यूनिट एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर मान लो मुझे वजन करना है तो मैं वजन कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी एक छोटी चीज उठाऊंगा उसके वजन का अंदाजा लगाऊंगा और मेरे आसपास जितनी भी चीजें हैं उसका वजन उसके रिस्पेक्ट में निकाल लूंगा, उसके रेफरेंस के हिसाब से। जैसे मान लो बॉटल है, अब बॉटल का मैंने वजन, अब मुझे पता तो है नहीं किलोग्राम ग्राम ऐसा कुछ होता है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने ऐसे वेट किया कि हाँ चलो ठीक है इतना इतना वजन है इसका, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मान लो किसी ने मुझे बोला कि सामने बॉक्स रखा है इसको उठा के देख, तो मैंने बॉक्स उठाया, अब मैं बताऊंगा किसी की बॉक्स का वजन कैसा है, अब मैं सबको, सबका वजन तो अलग अलग हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा बोलूंगा कि भैया इस बॉटल का जो वजन था उसके कुछ 10 गुना वजन है बॉक्स का, मतलब कि बॉक्स का वेट कितना है, 10 बॉटल्स, मतलब जो बॉटल था वो क्या है, रेफरेंस बन गया मेरा। अब उस बॉटल के बेसिस में सबका वजन ढूंढ रहा हूं, वैसे ही किलोग्राम क्या है, एक रेफरेंस है बस भैया, हमने किलोग्राम को एक रेफरेंस बना लिया और उसके हिसाब से हम बाकी सारी चीजें मेजर कर रहे हैं। जैसे कि इस कवर का वजन कितना होगा, तो मैं बोलूंगा कि यार ये कहीं कहीं 0.5 किलोग्राम के आसपास है, मतलब 0.5 मतलब कि जो मेरा अंदाजा मैंने लगा रखा था एक किलोग्राम का उसके आधे वजन के बराबर है। फिर ये जो बॉक्स है सामने रखा हुआ ये 10 किलोग्राम के बराबर, मतलब कि जो मेरा अंदाजा था उसके 10 गुना है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में बात कर लिया, हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इतना इतना हम समझ लिया, हमको मतलब जो चीजें, मतलब मैं क्या भावुक हो जाता हूं तो मैं तुमको बहुत डिटेल में चले जाता हूं, पर कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे भी मस्ती कर रहे हूं। तो यूनिट जो होती है बेसिकली वो होती है तीन टाइप की। अब मैंने तुमको क्या बताया कि रेफरेंस स्टैंडर्ड है, तो अलग अलग जगह के लोगों ने अलग अलग रेफरेंस बना लिया। जैसे मैंने इस बॉटल को रेफरेंस बना लिया, मान लो हो सकता है किसी और ने किसी और चीज को रेफरेंस बना रखा हो, किसी और ने किसी और चीज को रेफरेंस बना रखा हो, तो हम तो ऐसे पागल ही हुए थे कि भैया सब अपने अपने रेफरेंस बना रहे। तो मैं दुकान पे गया, मैंने बोला भैया 10 बॉटल आटा दे दो, अब उसको क्या पता 10 बॉटल आटा क्या, हो सकता है कि उसने ये पेन स्टैंड के बराबर अपना रेफरेंस मान रखा हो, तो बोलेगा कि नहीं नहीं पेन स्टैंड के हिसाब से बताओ कितना चाहिए तुमको, तो ये तो लड़ाई झगड़े हो जाते, दंगे फसाद हो जाता ऐसे में, तो ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने मेनली तीन स्टैंडर्ड्स बना लिए। अब ये तीन स्टैंडर्ड्स अलग अलग कंट्रीज में यूज किए जाते हैं। एक स्टैंडर्ड है सीजीएस, सीजीएस मतलब कि लेंथ के लिए हम सेंटीमीटर यूज करेंगे, सी फॉर सेंटीमीटर, मास के लिए हम ग्राम यूज करेंगे और टाइम के लिए सेकंड्स यूज करेंगे, ठीक है। फिर एक यूनिट बना ली FPS, ये कुछ कंट्रीज में FPS, तुमने शायद अगर तुमने वेट लॉस वगैरह के वीडियोस देखे हैं YouTube पे, तो उसमें बहुत सारे जो यूट्यूबर्स से बाहर के वो पाउंड्स में बोलते हैं कि तुम 10 पाउंड वेट लूज कर लो, 5 पाउंड लूज कर लोगे, ऐसा करोगे, तो पाउंड में क्या बोलते हैं, क्योंकि उनके वहां पे ये स्टैंडर्ड चलता है पाउंड बोलने का। तो FPS मतलब लेंथ के लिए हम फुट यूज करेंगे, जैसे 10 फुट, 15 फुट, पाउंड पी और सेकंड्स। MKS यूनिट जो है उसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड यूज करेंगे, ठीक है। अब जो SI यूनिट है, अब देखो ये तीन मेन यूनिट्स हो गई, पर मान लो कि यहां से मैं गया दूसरी कंट्री, अब वहां पे FPS में चल रहा है, तो हम तो पागल ही होते हैं, क्योंकि उनको तो FPS समझ में आता है और हमको MKS समझ में आता है। तो इसलिए एक SI यूनिट, एक पूरी मीटिंग बुलाई गई सब लोगों की, सब महानुभाव लोग बैठे, उन्होंने बोला कि यार चलो एक यूनिट बना लो जो कि वर्ल्ड वाइड हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उसको हम बोलते हैं SI यूनिट। SI का मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अब बोलेगा भैया स्टैंडर्ड इंटरनेशनल होना चाहिए ऐसा ही, तो मैंने नाम नहीं रखा, अगर मैं रखता तो IS यूनिट रख देता, ठीक है। तो SI यूनिट, SI यूनिट किसको माना हमने, MKS यूनिट को। तो MKS यूनिट जो होती है वो होती है SI यूनिट। तो जहां भी तुमसे SI यूनिट पूछी जाए, तुमको ये बात ध्यान रखना है कि जहां भी लेंथ की SI यूनिट पूछी जाए तुमको मीटर बोलनी है, लेंथ मतलब डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। मास पूछा जाए तो तुमको किलोग्राम में बोलना है, ठीक है, और टाइम पूछा जाए तो सेकंड्स, ये हो गई इसकी SI यूनिट, ठीक है। चलो बहुत सही, अब आते हैं चैप्टर के ऊपर कि भैया मोशन क्या है। सिंपल चीज है, देखो बिल्कुल मैं तुम लोगों को घबराहट देने वाली कोई काम नहीं करूंगा। हमको क्या पता आज तक मोशन मतलब, अरे बॉटल यहां से यहां चल ली तो क्या हो गया, मोशन में आ गई, ठीक है। अरे बाहर बाइक निकल रही है तो बाइक कहीं में है, मोशन में है। मैं दौड़ रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मोशन में हूं, बस। तो जो चीज चल रही है, जो चीज अपनी पोजिशन चेंज कर रही है वो कायम में है, वो मोशन में है, ठीक है। अरे ये बॉटल की पोजीशन यहां थी, इसने यहां से अपनी पोजीशन चेंज करके यहां रख ली, तो बॉटल काहे में आ गई, किस चीज में आ गई, बॉटल आ गई मोशन में। बॉटल में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। अरे कार चल रही है तो कार, देखो ये कार है, अब ये कार रुकी हुई है तो हम क्या बोलेंगे, रेस्ट में, चल ही नहीं रहे। तो जब भी कोई चीज रेस्ट पे होती है हम क्या बोलते हैं कि रेस्ट पे, मतलब चल नहीं रही है, मूवमेंट नहीं हो रहा है।
पर अगर ये अपनी पोजिशन चेंज कर रही है तो हमने क्या बोल दिया कि भैया ये तो मोशन में है, ठीक है। बस इतनी सी चीज है, क्या है, अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजिशन WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या नहीं बला है, अरे देखो मेरी बात सुनो, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है अगर वैसे वैसे पोजीशन चेंज हो रही है तो ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे कि समय, देखो समय तो आगे बढ़ता ही जा रहा है, समय तो किसी के लिए रुकता नहीं है, ठीक है, समय किसी के लिए रुकेगा नहीं, जो करना है आज करो, ठीक है, थोड़ा मोटिवेशनल हो गया बीच में पर कोई बात नहीं, ठीक है। अब जैसे बॉटल है, अभी समय तो बढ़ता जा रहा है पर क्या है, बॉटल चल रही है नहीं, मूव नहीं कर रही है, तो मतलब ये बॉटल रेस्ट में है, क्यों, क्योंकि समय के हिसाब से टाइम की नजरों में ये चल नहीं रही है। हमको क्या देखना है, हमको बस टाइम की नजरों में देखना है। जैसे कि अब मान लो कि अब टाइम आगे बढ़ते आ रहा है और बॉटल भी पोजीशन चेंज करते आ रही है, तो मैं क्या बोलूंगा कि बॉटल कहीं में है, बॉटल है मोशन में। बॉटल मोशन में क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है ये बॉटल मूव हो रही है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। अब बॉटल रुक गई, समय तो आगे बढ़ रहा है पर बॉटल रुक गई, मतलब बॉटल कहीं में है, रेस्ट में है, बस इतना सा। अब एक देखो जैसे कि कार है, तो कार पहले नहीं चल रही थी, मतलब खड़ी हुई थी बिल्कुल बंद है कार, पर जैसे ही चालू की कार से बड़ 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 करके आगे चलने लग गई, और जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही है मतलब वो टाइम के साथ में, समय के साथ में अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। फिर भले ही वो आगे जाए पीछे जाए लेफ्ट जाए राइट जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सीधे देखना कि पोजीशन चेंज हो रही कि नहीं हो रही। भैया पोजीशन चेंज हो रही है तो मोशन में, ठीक है। जैसे पेंडुलम है, तो पेंडुलम मान लो अगर बीच में है तो कुछ नहीं है भाई, टाइम तो चल रहा है पर वो तो वहीं पे है, पर जैसे जैसे पेंडुलम ऐसे ऐसे चल रहा है तो समय के साथ में पोजीशन भी चेंज कर रहा है पेंडुलम, ठीक है। पर अगर तुम ध्यान से देखो, चलो ये चीज थोड़ी एडवांस हो गई, अभी अगर तुमको ये जो अगले कुछ सेंटेंस समझ में नहीं आए तो इनको इग्नोर करना। अगर तुम ध्यान से देखो तो जैसे मान लो कि ये एक पेंडुलम है, ठीक है, ये एक पेंडुलम है, तो जब भी पेंडुलम चल रहा है तो समय के साथ साथ चल रहा है, पर अगर तुम ध्यान से देखो तो जब भी ये एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचता है, जैसे यहां से लेके यहां तक जा रहा है, तो जब ये यहां पे पहुंच रहा है तो ये बिल्कुल एक इंस्टेंट के लिए रेस्ट पे आ रहा है ना। अरे भाई रेस्ट पे आया ना, जब तक ये रेस्ट में नहीं आएगा तब तक वापस नीचे आना कैसे चालू होगा, वरना तो ऊपर ही चलता रहेगा। वो बिल्कुल एक इंस्टेंट के लिए यहां पर रेस्ट पे आता है, रुक जाता है और फिर यहां से वापस अपना पाथ इधर लेके जाता है, ठीक है। मतलब कि जब भी मैं, और एक और चीज ध्यान रखो, जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं तो मोशन में पूरे टाइम, पर जैसे जब अपनी टॉप हाइट पहुंचता है, जैसे ऐसे गया, तो जब वो इस टॉप हाइट पे पहुंचा तो यहां पर वो एक इंस्टेंट के लिए रेस्ट पे आया, मतलब रेस्ट पे आया मतलब ये यहां पर रुक गया, इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, इसकी स्पीड जीरो हो गई और फिर ये नीचे आना चालू हुआ, तो फिर से ये मोशन में आया। ये चीज ध्यान रखो, अगर समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ग्रेविटेशन का टॉपिक है, पर कोई बात नहीं, इतना बेसिक समझो, ठीक है। अब देखो यहां पर लिखा है मोशन इज रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अरे ये क्या बात हुई, अरे ये ऐसी बात हुई कि ये है हमारा भैयू गट्टू, इसका नाम क्या है, गट्टू। अब गट्टू जो है इसकी टीचर के लिए है मस्तीखोर, ठीक है, इसकी मम्मी के लिए है राजा बेटा, और इसके दोस्तों के लिए क्या है, ये इसके दोस्तों के लिए है पागल, बेवकूफ, मतलब मंदबुद्धि, इसको समझ में नहीं आता कुछ भी, ठीक है। ऐसा होता है, सब दोस्तों को बोलते हैं, ठीक है, तब तुम तब भावुक मत आना कि भैया आप ऐसा क्या बोल रहे हो, मैं तुमको दोस्त की तरह बता रहा हूं तो दोस्त की तरह समझो, ठीक है। अब लोग कितने हैं, गट्टू गट्टू एक ही है। अब एक गट्टू को उसकी टीचर अलग नजरों से देख रही है, उसकी मम्मी अलग नजरों से देख रही है, और उसके दोस्त अलग नजरों से देख रहे हैं, गट्टू तो गट्टू है बस। मतलब कि मोशन इज रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब अलग अलग लोगों की नजरों से मोशन अलग अलग दिख सकता है, ठीक है। जैसे टीचर की नजरों से यही गट्टू अलग नजरों में दिख रहा है, मतलब अलग तरीके से दिख रहा है, मम्मी की नजरों से अलग दिख रहा है, दोस्तों की नजरों से अलग दिख रहा है, तो मोशन क्या है। देखो मैं तुमको बता देता हूं एक चीज, ये जो तुम्हारा पूरा फिजिक्स है 9th का, ये पूरा इंसानी बातों पर टिका हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग है ना वैसे ही पूरा फिजिक्स है, तो जो अगला फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन करना है ना, उसमें तुमको भाई मजा ही आ जाएगा, इतनी कहानियां सुनने वाले हो तुम उसमें, तुम बस उसका वेट करो, मैं तुमको बता रहा हूं वो बेस्ट लेक्चर होगा, ठीक है। हालांकि ये भी बेस्ट है, ऐसा नहीं कि बेकार है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि मोशन इज रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। मान लो कि मैं ट्रेन में बैठा हूं, अब ट्रेन में मेरे साथ में एक दोस्त बैठा है मेरा, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए तो रेस्ट में है ना, ऐसा थोड़ी ना, मतलब अगर मैं उसको देखूं तो मेरे लिए तो रेस्ट में है भाई, वो तो बैठा हुआ ही है उसकी जगह पे, हिल नहीं रहा है वो, तो हम तो ऐसे बात भी कर सकते हैं एक दूसरे से। पर जो व्यक्ति ट्रेन के बाहर खड़ा है उसके लिए तो हम दोनों मोशन में है ना, ट्रेन तो चल रही है तो हम तो मोशन में है उसके लिए, पर हम आपस में एक दूसरे के लिए रेस्ट में है। तो मेरा दोस्त मान लो मेरे पास में बैठा है गट्टू, तो गट्टू गट्टू तो वही है जो है, पर मेरे लिए रेस्ट में है और बाहर खड़े किसी व्यक्ति के लिए मोशन में है। तो ये क्या बात हुई, मोशन इज रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, मतलब मेरी नजरों से गट्टू रेस्ट में है और बाहर वाले की नजरों से गट्टू मोशन में है, ठीक है भाई, बात समझ में। तो भैया अब ऐसे तो यार आपके हिसाब से रेस्ट में और उसके हिसाब से मोशन में, तो हम पता कैसे लगाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कि रेस्ट में। उसी के लिए तो बोला कि मोशन, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
हमको समय की नजरों से देखना है। अगर टाइम की नजरों से देखो तो वो जो व्यक्ति बाहर से खड़ा होकर हमको देख रहा है सिर्फ वो रेस्ट में है, बाकी हम दोनों और ट्रेन हम तीनों मोशन में है। मैं, गट्टू और ट्रेन हम तीनों मोशन में टाइम की नजरों से। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम मोशन में कि रेस्ट में? हमको किसी ऑब्जर्वर की नजरों से नहीं देखना है, हमको समय की नजरों से देखना है। चलो बहुत ही बढ़िया। तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और मोशन में कब? व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेरी नाइस। टाइप्स ऑफ मोशन, भैया हर चीज के टाइप्स बताने होते हैं हमको, तो ये लो टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन क्या कहना चाह रहे हैं? लीनियर मोशन, लीनियर मोशन मतलब लीनियर, लाइन 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 कैसी होती है? सीधी। तो लीनियर मोशन, इधर मत देखो स्लाइड्स की तरफ, मेरी तरफ देखो, इधर देखो, इधर मतलब इधर स्लाइड्स की, इधर पता नहीं जिधर भी हो, इधर देखो, इधर देखो। लीनियर मोशन लाइन, लीनियर लाइन, लाइन मतलब सीधी लाइन, सीधी लाइन में कोई चल रहा है मतलब स्ट्रेट लाइन में चलने वाले मोशन को लीनियर मोशन बोलते हैं। बस अब इधर देखो क्या कह रहा है, लीनियर मोशन इज अ वन डायमेंशनल मोशन, वन डी मोशन, वन डी मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, मुड़ नहीं रहे हैं, हम बिल्कुल सीधे चल रहे हैं। वन डायमेंशनल मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो जैसे रेस ट्रैक हो गया हमारा, मान लो सिंपल रेस ट्रैक है, 100 मीटर रेस दौड़ रहे हैं हम, ठीक है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट रेस ट्रैक है, इसमें गोल गोल नहीं, एक होता है कैसा ओवल शेप में होता है, तो वो लीनियर मोशन नहीं होगा, ये स्ट्रेट वाला जो होगा ना ये होगा, ठीक है। तो ये जब भी हम ऐसे स्ट्रेट ट्रैक में भाग रहे हैं बिल्कुल सीधे बिना टर्न में, तो हम उसको लीनियर मोशन बोलेंगे। सर्कुलेटरी मोशन, अरे जब लीनियर मोशन मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन होता है तो सर्कुलेटरी मोशन क्या होगा? सर्कुलर, सर्कल, मतलब कि मोशन अलोंग सर्कल, ठीक है। जैसे कि द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जैसे पंखा है तो पंखे की जो ब्लेड्स हैं, अगर मैं उसका कोई भी एक पॉइंट देखूं, मतलब ब्लेड के ऊपर मान लो एक डॉट लगा दी मैंने, ठीक है, ये डॉट लग गई ब्लेड के ऊपर, ये डॉट लगा दी ये ली, ठीक है। अब ये जब गोल 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 घूमेगा तो मैं ऐसा देख पाऊंगा ना कि ये जो डॉट है ये ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रही है, इट इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, मतलब कि पंखे की जो ब्लेड्स हैं दे आर मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, सर्कल के पाथ में। सीधे तो चल नहीं रही, सीधे चल रही होते तो सामने जो इंसान होता उसको लग जाती है ऐसे, ठीक है। तो गोल 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 घूम रही हो तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन। फिर आता है ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन मतलब अरे इधर चला मैं उधर चला, मतलब पेंडुलम टू एंड फ्रो, यहां चला फिर यहां चला फिर यहां चला फिर यहां चला। द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी ऑफ फॉलोइंग अ टू एंड फ्रो पाथ, टू एंड फ्रो मतलब अरे एक मीन पोजीशन, एक बिल्कुल सेंटर, फिर इधर एक एक्सट्रीम, इधर एक एक्सट्रीम, इधर एक एक्सट्रीम, इधर, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। एक तो हमारी बिल्कुल रेस्ट वाली पोजीशन हो गई, फिर यहां से स्टार्ट हुआ, फिर एक एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंचा, फिर वहां से नीचे आया, फिर इधर एक पहुंचा, तो ऐसे 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 चलता रहेगा। टू एंड फ्रो मतलब टू एंड फ्रो, यहां से लेके यहां तक, इधर चला मैं उधर चला, तो ये हो गया ऑसिलेटरी मोशन। बहुत सही। अब आते हैं क्वांटिटीज के ऊपर। मेन जो क्वांटिटीज चैप्टर में पहले बता दूं हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड एंड वेलोसिटी, ये मेन चीजें होने वाली है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, भैया ये तो आपने बताया था कि यार डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट होती है मीटर। तो हम पता कैसे लगाएं कि डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट, मतलब होता क्या है? देखो डिस्टेंस जो होती है ना, बिल्कुल सिंपल भाषा में बताता हूं। देखो जैसे जैसे ये हमारा एक घर है, ये मैं पहले पिछले साल भी सेम स्लाइड यूज कर चुका हूं क्योंकि मैंने सोचा था कि थोड़ी स्लाइड चेंज कर लूंगा, बट ये स्लाइड्स इतने प्यार से और इतनी तगड़ी बनी हुई है कि उनको इतना अच्छा समझ में आया, तो मैंने सोचा कि फालतू चेंज क्यों करना, तुम्हारी बैच को भी यही सब चीज समझ में आना दो ना, ठीक है। चलो जैसे कि मान लो यहां पर है दो तीन लोग, मतलब मैं यहां पर हूं और यहां पर मेरा दोस्त है, मैं यहां तू यहां, ठीक है। तो अब मुझे जाना है इसके घर, अब देखो मुझे इसके घर जाना है, अब अगर मैं देखूं तो डायरेक्ट जो रास्ता है, हम ऐसा छत से छत पे देखते हैं, जैसे मान लो तुम ऐसे अपने घर की छत पे गए हो, अब हालांकि मेट्रो सिटीज में पॉसिबल नहीं, अगर तुम मुंबई में हो तो ऐसा नहीं कर पाओगे, बट अगर तुम नॉर्मल किसी सिटी में हो और तुम छत पे जाते हो तो हम ऐसे छत से छत पे लोगों को देख सकते हैं। तो मान लो मैं अपने छत पे खड़ा और मेरा दोस्त दूर दिख रहा है मुझे छत पे खड़ा हुआ, तो अगर हम देखें तो हमारे बीच में जो एक्चुअल दूरी है वो बस उतनी ही है एक स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, ठीक है। मेरे बीच में और मेरा जो दोस्त है, यहां पर कलर थोड़ा सा बदल लिया जाए, यहां पर ये कलर बढ़िया लगेगा, मेरे बीच में और मेरे दोस्त के बीच में दूरी सिर्फ इतनी सी ही है, ये जो लाइन दिख रही है हमको, पर क्या मैं इस दूरी को फॉलो कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो मुझे अगर इसके घर जाना है तो कैसे जाना पड़ेगा? मुझे पूरा रास्ता घूम के जाना पड़ेगा। तो भले ही मेरे और मेरे बीच की मेरे और मेरे दोस्त के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कुछ भी हो, पर मुझे एक्चुअली अगर उसके घर जाना है तो मुझे एक पाथ फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात समझो कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो अब अगर डेफिनेशन के हिसाब से बताऊं तो डेफिनेशन क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे और इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, फिर भले बीच में पहाड़ हो, देखो बीच में पहाड़ है तो डायरेक्ट ऐसे जा तो सकता नहीं हो, बट अगर समझो पहाड़ हो, अंदर बीच में घर हो, कुछ भी हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हो गई वो हो गई डिस्प्लेसमेंट। पर डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड,
पाथ ट्रेवल। तो अगर मैं इससे पूछूंगा, मान लो मैं इसके घर पहुंच गया और इसने मुझसे पूछा कि कितनी दूरी चल के आए, तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो रोड की लेंथ थी उतना ही चला मैं। मान लो ये रोड यहां पे है 20 मीटर, यहां है 10 मीटर, यहां है 10 मीटर और यहां है 10 मीटर, तो मैं कितना चला, 20 + 10 + 10 + 10 मतलब कितना हो गया, 50 मीटर चला। फिर भले ही हमारे बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सिर्फ 20 मीटर ही हो, पर मुझे चलना तो 50 मीटर पड़ा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 20 मीटर, और जो डिस्प्लेसमेंट मतलब ये जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और जो एक्चुअल मैंने लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल किया वो क्या हुआ, 50 मीटर। ठीक है, बहुत ही सही, बहुत ही सही। अब डिस्प्लेसमेंट मैंने तुमको क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, तो इनिशियल पॉइंट था ये, फाइनल पॉइंट था ये, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो अब इनके बीच में थोड़े से डिफरेंसेस देखे जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। क्या बोल रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पार्ट ट्रेवल बाय बॉडी वाइल मूविंग फ्रॉम एन इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। ठीक है, मतलब कि मैं यहां से इसके घर से इसके घर गया, तो इनिशियल से फाइनल पोजिशन के बीच मैंने कितनी लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल किया, वो डिस्टेंस हो गई। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन, इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन, मतलब पहले मेरी पोजिशन यहां थी, फिर मेरी पोजिशन में चल के यहां गया, तो हम दोनों के मतलब मेरी इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई वो हो गई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो बहुत सही। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो डिस्टेंस, अब देखो डिस्टेंस मेजर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। क्यों, जैसे मान लो कि मैं अपने घर था, फिर मैं अपने घर से इसके घर गया, फिर मैं इसके घर से वापस अपने घर आ गया, तो मेरी, मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, तो मेरी जो इनिशियल पोजिशन है वो भी मेरा ही घर था, फाइनल पोजिशन है वो भी मेरा ही घर हो गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजिशन तो सेम हो गई, मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो, मतलब मैं तो चला ही नहीं। ठीक है, पर डिस्टेंस ऐसा नहीं है, डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस ये पूरा पाथ प्लस वापस से घर आने का ये पूरा पाथ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकती है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, मतलब डिस्टेंस भी, डिस्टेंस अगर थोड़ा सा चला हूं तो पक्का डिस्टेंस होगी, पर डिस्प्लेसमेंट के साथ में ऐसा जरूरी नहीं है, अगर मैं चल के वापस अपने इनिशियल पोजिशन पे आ गया तो मेरी डिस्प्लेसमेंट जीरो। और डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो तब हो सकती है, अरे ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो तब हो सकती है जब मान लो कि मैंने इस पॉइंट को अपना माना एक रेफरेंस पॉइंट। अब मैं इसके हिसाब से मैंने क्या सोचा, साइन कन्वेंशन देखता मैं इसमें। ठीक है, तो मैंने इसके हिसाब से सोचा कि भाई राइट साइड जाने वाली सारी चीजें पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड जाने वाली सारी चीजें नेगेटिव है। ठीक है, मैं मान लो यहां खड़ा हूं, अब मेरे राइट में जितने भी लोग जा रहे हैं मैं उनको बोलूंगा ये सब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेफ्ट में जितने बोलूंगा ये सब नेगेटिव बोलूंगा। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं ऐसा बना सकता हूं अपने दिमाग में, ठीक है, कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मैंने अपने हिसाब से बना लिया। तो मान लो वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए, तो मान लो कि मैं, मान लो कोई और पहले थोड़ी देर इधर गया, 2 मीटर इधर गया, तो इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 2 मीटर, फिर पलट के वापस 6 मीटर इधर आ गया, 6 मीटर इधर आ गया। ठीक है, तो अगर ये 6 मीटर इधर आया मतलब कि ये सेंटर से यहां तक कितना चला, 4 मीटर है ना, अरे 2 मीटर इधर गया फिर 6 मीटर इधर आ गया, तो सेंटर से तो इधर 4 मीटर ही गया ना, ये माइनस कर दूंगा तो ये 4 मीटर इधर गया। तो अगर मैं इसकी डिस्टेंस देखूं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2 मीटर + 6 मीटर यानी कि 8 मीटर। पर डिस्प्लेसमेंट अगर मैं देखूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, भाई मैंने तो इस पॉइंट को जीरो मान रखा था, अब यहां जो भी होगा ये +1 + 2 + 3 ऐसा होगा और यहां पे नंबर लाइन की तरह -1 - 2 - 3 होगा, तो मेरे हिसाब से इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, -4 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, बहुत सही, वेरी नाइस। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड। एल्जेब्रिक सम मतलब जैसे कि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। ठीक है, और द नेट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर सम मतलब क्या होता है, जो साइन के हिसाब से चलता है। वेक्टर सम मतलब जैसे कि राइट को मैंने पॉजिटिव माना, लेफ्ट को नेगेटिव माना। तो देखो मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो मैथमेटिक्स के फॉर्म में, फिजिक्स के हिसाब से, फिजिक्स की भाषा में जो डायरेक्शन है, तुमको आज एक सच बताता हूं, फिजिक्स की भाषा में जो डायरेक्शन है वो हम कैसे बताएंगे, हम हर जगह तो लिख नहीं सकते ईस्ट वेस्ट साउथ साउथ नॉर्थ ऐसा, तो हम डिस्प्लेसमेंट या फॉर दैट मैटर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में, मैंने तुमको क्या बताया कि मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड तो हमको पता है, डायरेक्शन हम कैसे पता लगाएंगे, डायरेक्शन पता लगाने के लिए हम लिखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। तो ये जो प्लस और माइनस है ना, ये हमको डायरेक्शन दे रहा है।
ठीक है, तो इसी को वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड तो हमको पता है 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, पर डायरेक्शन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मुझे मान लो किसी और को बताना है कि -10, तो मतलब किसी और को डायरेक्शन भी बताना, तो मैं कैसे बताऊंगा? अब हर जगह तो अब मुझे तो पता नहीं कि भैया ईस्ट है कि नॉर्थ है कि साउथ है कि वेस्ट है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक रेफरेंस बना लिया अपने हिसाब से और मैंने सोचा कि जो भी राइट साइड में होगा वो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में होगा नेगेटिव होगा, तो मैंने इसको डायरेक्शन दे दी। तो जब भी मैं बोलूंगा कि पॉजिटिव है, मतलब मैं समझ जाऊंगा अपने दिमाग में कि अच्छा है इधर गया, और जब भी मैं बोलूंगा नेगेटिव है तो मैं समझ जाऊंगा कि इधर गया। अब हो सकता है तुम्हें लेफ्ट राइट अलग दिख रहा हो मेरा, क्योंकि ये कैमरे से मिरर हो रहा है ऐसा, तो इसलिए थोड़ा भावुक मत होना, समझ जाना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, चलो। तो वेक्टर सम क्या होता है? वेक्टर सम साइन के साथ में जो होता है, जैसे कि अभी मैंने यहां पर तुमको डिस्प्लेसमेंट इसका निकाल के बताया, तो मैं अगर जो इसे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं कैसे करूंगा, इसका वेक्टर सम करूंगा। तो वेक्टर सम कैसा हो जाएगा, सबसे पहले डिस्टेंस क्या थी, +2 मीटर, फिर दूसरी ये लेफ्ट साइड में ट्रेवल करना चालू कर दिया, तो मैं कैसे लेफ्ट साइड को मैंने कैसे मान रखा है माइनस के फॉर्म में, तो +2 मीटर -6 मीटर। ठीक है, एक्चुअली ऐसा होगा, देखो +2 मीटर प्लस सम ऑफ, मतलब वेक्टर सम, वेक्टर सम कैसे होगा, जैसे +2 मीटर प्लस -6 मीटर। ठीक है, तो एट दी एंड बात तो वही होगी, +2 मीटर -6 मीटर, तो ये हो गया -4 मीटर। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ज्यादा लोड नहीं लेना इतना ज्यादा। देखो अभी अगर तुम बिल्कुल डीप में सोचने जाओगे तो तुम पागल हो जाओगे। अभी तुम जितना बोल रहे हो उतना सुनो, क्योंकि जैसे जैसे अब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे, जब मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन करेंगे, ग्रेविटेशन करेंगे, तो तुम्हारे दिमाग के बिल्कुल पर्दे खुले हो जाएंगे कि अच्छा वेक्टर मतलब ये होता है, कुछ भी नहीं होता वेक्टर में। ठीक है, चलो। देयर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस कवर्ड व्हेरेवर देयर इज अ मोशन, और डिस्प्लेसमेंट जो वो जीरो भी हो सकता है, यूनिट दोनों की मीटर है। चलो, बहुत सही। अब आते हैं दो मेन क्वांटिटीज पे, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है, शोज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन मतलब कि मोशन हो रहा है मतलब कि ये यहां से यहां चला, पर किस रेट से गया, किस रेट से मोशन चल रहा है। ठीक है, मतलब कितनी, जैसे कितनी कितनी गति से मोशन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। ठीक है, सिंपल है, स्पीड हमको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला आया कैसे, देखो मैं तुमको बताता हूं कैसे आया। अब मैं तुमको बताता हूं, जब भी तुमसे पूरे फिजिक्स में जब भी तुमसे रेट ऑफ चेंज पूछा जाए, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज पूछा जाए, तो सबसे पहले तो जब भी तुमसे रेट पूछा जाए तो तुमको एक बात ध्यान रखना कि तुमको जो भी क्वांटिटी उसको टाइम से डिवाइड करना है। ठीक है, और जब भी तुमसे चेंज पूछा जाए तो चेंज का मतलब ये समझो कि तुमको फाइनल माइनस इनिशियल करना है किसी चीज का। अब यहां पर क्या पूछा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, चेंज ऑफ मोशन मतलब पहले यहां यहां, फिर मतलब कहने का मतलब कि फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, ये हो गया रेट चेंज ऑफ मोशन। चेंज ऑफ मोशन क्या, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन पहले। ठीक है, चेंज मतलब कितना चेंज है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो ये एट दी एंड क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको कुल मिला के देखूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में कितनी जगह, तो उसी को डिस्टेंस बोलता हूं मैं। तो यहीं से मेरे पास मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कहने का मतलब, टी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो ये हो गई स्पीड की, शोज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। वेलोसिटी क्या है, शोज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तभी तो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन बस। तो स्पीड क्या है, स्पीड हमको सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन देती है, और वेलोसिटी जो है वो हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन भी देती है, और उसके साथ में डायरेक्शन भी देती है। ठीक है, अलोंग विद डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं चला रहा हूं गाड़ी 20 किलोमीटर, पापा का मेरे पास में फोन है, पापा ने पूछा कि भैया कहां पे है और गाड़ी स्पीड कितनी है, तो मैं बोलूंगा पापा 20 किलोमीटर पर आर। अब पापा ने फोन रख दिया, पापा ने सोचा यार इसने तो मुझे सिर्फ स्पीड बताई, मुझे तो उसकी डायरेक्शन भी जाननी है, तो पापा मुझको फिर फोन लगाएंगे, बोलेंगे कि बेटा वेलोसिटी क्या है। तो जब मुझसे वेलोसिटी पूछेंगे तब मैं बताऊंगा कि पापा 20 किलोमीटर पर आर ईस्ट की डायरेक्शन में। अब ईस्ट ऐसे तो नहीं बोलूंगा मैं, ईस्ट मतलब नॉर्मली, नॉर्मल भाषा में, फिजिक्स की भाषा में तो मैंने तुमको बताया कि डायरेक्शन कैसे बतानी है, प्लस माइनस करके बतानी है। फिजिक्स की भाषा में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं लेंगे, प्लस माइनस लेंगे। ठीक है, तो मान लो कि मैंने इधर इधर प्लस मान लिया और इधर माइनस मान लिया अपने रेफरेंस के हिसाब से, ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, तो अब जब भी मैं राइट साइड में चल रहा हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, मेरी वेलोसिटी है +20 किलोमीटर पर आर, और अगर मान लो मैं रिवर्स चला रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, -20 किलोमीटर पर आर। ठीक है, चलो, बहुत सही। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है, अब देखो ये चीज समझ में आ गई, स्पीड और वेलोसिटी, इसके भी जो डिफरेंसेस हो तुमको एनसीईआरटी मिलेंगे, वो एक बार रीड कर लेना। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, कोई भी चीज यूनिफॉर्म है मतलब सब सिमिलर है, कांस्टेंट है। जैसे कि स्कूल में जो होती यूनिफॉर्म क्यों पहनते, ताकि सब कांस्टेंट दिखे, सब एक जैसे दिखे, कोई भेदभाव ना दिखे। तो जब भी यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, मैं कब बोलूंगा कि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे कि मान लो पापा ने मुझे फोन लगाया, पापा ने मुझे फोन लगाया और पापा ने पूछा स्पीड क्या है, तो मैंने बोला स्पीड नहीं वेलोसिटी पूछी, मैंने बोला कि पापा ये 20 किलोमीटर पर आर। अब मैं डायरेक्शन उनको कैसे बताऊंगा, उनको प्लस माइनस में तो बताऊंगा, उनको बोल दूंगा कि नॉर्थ के डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैंने उनको वेलोसिटी बता दी। अब पापा का मेरे पास 10 मिनट बाद वापस फोन आया, उन्होंने बोला कि अब तेरी स्पीड कितनी है,
तो मान लो मैंने बोल दिया कि पापा अभी भी 20 किलोमीटर पर आ रहा है नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो पापा क्या बोलेंगे कि मेरा यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है, मतलब मेरा लड़का जो है गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन में चला रहा है। अब मान लो कि पापा का पहले फोन आया तब मेरी 20 किलोमीटर पर आ रही थी नॉर्थ के डायरेक्शन में, अब थोड़ी देर बाद फोन आया तो मैंने बोला कि पापा अब जो है 40 किलोमीटर पर आ रहे हैं नॉर्थ के डायरेक्शन में, तो क्या मेरी वेलोसिटी, क्या मेरा मोशन यूनिफॉर्म हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो एक चीज, एक कंसेप्ट बहुत जरूरी है समझना कि वेलोसिटी के अंदर दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। इन दोनों में से अगर कोई एक भी चेंज हो जाता है तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो मेरी स्पीड थोड़ी देर पहले 20 किलोमीटर पर आ रही थी नॉर्थ के डायरेक्शन में, अब पापा के मेरे पास में एक घंटे बाद फोन आया, पापा ने बोला कि अब तेरी वेलोसिटी क्या है, मैं उनको बोल दूं कि पापा मेरी वेलोसिटी जो है वो है 20 किलोमीटर पर आवर साउथ के डायरेक्शन में, तो पापा बोलेंगे कि अच्छा तेरी स्पीड तो सेम है 20 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर, जैसे पहले 20 किलोमीटर पर आवर थी अभी भी 20 किलोमीटर पर आवर है, तो तेरी स्पीड सेम है पर तेरी वेलोसिटी अलग है। क्यों? क्योंकि तूने डायरेक्शन चेंज कर दी, पहले नॉर्थ में जा रहा था अब साउथ में आ रहा है, तो मतलब तेरी वेलोसिटी चेंज हो गई, स्पीड भले ही वही है, तो मतलब स्पीड कांस्टेंट रह सकती है। स्पीड मतलब स्पीड तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है 20 किलोमीटर पर आ रहा है, पर वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन भी, तो अगर डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों? क्योंकि इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, बेसिक चीज है, एक बार एनसीईआरटी रीड कर लोगे ना भाई तुम्हारे पूरे दिमाग के बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इनके दो फॉर्मूले होते हैं, तुमको बता देता हूं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, सारी स्पीड्स को ऐड कर दो, सम ऑफ ऑल स्पीड्स अपॉन टोटल टाइम टेकन। जैसे कि मान लो ये अलग अलग स्पीड में चल रहा है, एवरेज स्पीड, हम देखो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सिर्फ तभी निकालेंगे जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। अगर यूनिफॉर्म ही है भाई, घर से लेके मार्केट तक, मान लो मैं घर से लेके मार्केट तक ट्रैक कर रहा हूं, तो घर से लेके मार्केट तक अगर मैं पूरे रास्ते सिर्फ 20 किलोमीटर पर आने में चला रहा हूं तो एवरेज तो 20 ही हुआ, क्योंकि चेंज ही नहीं हुआ। पर कई बार क्या होता है, हमने कभी तेज चलाई कभी धीरे चलाई, कभी तेज चलाई कभी धीरे चलाई, तो मुझे अगर एवरेज निकालना है कि भैया मेरी एवरेज स्पीड इतनी थी तो वो कैसे निकालूंगा, तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जैसे मान लो कि ये पॉइंट्स है ए बी सी डी, मतलब मैं गया टोटली ए से लेकर डी तक। अब ए से लेकर डी तक जाने में मैंने तीन तीन, जैसे ये डी वन डिस्टेंस जो ए से लेकर बी तक की जो डी वन डिस्टेंस है वो मान लो मैंने कुछ टी वन टाइम में कवर की, कोई भी, जैसे मान लो शुरू के 10 किलोमीटर मैंने एक घंटे में कवर किया। ठीक है, एग्जाम्पल देते जा रहा हूं मैं तुमको। फिर मान लो बी से सी तक कुछ और डिस्टेंस थी, कुछ भी हो सकती है, जैसे कि शुरू के 10 किलोमीटर मैंने एक घंटे में कवर किया, फिर मान लो अगले 5 किलोमीटर मैंने एक, ये मान लो 2 घंटे में कवर किया, कुछ भी हो सकता है ना, रोड बहुत खराब हो कुछ भी हो सकता है। तो मैं मान लो जो दूसरी D2 डिस्टेंस है वो मैंने T2 टाइम में कवर की, और मान लो तीसरे बच्चे हुए जो 12 किलोमीटर थे वो मैंने कुछ आधे घंटे में ही कवर कर लिया 0.5 आर, तो ये D3 डिस्टेंस मैंने T3 टाइम में कवर कर ली। तो अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी हो तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, स्पीड क्या होती है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम क्या करेंगे, सारी डिस्टेंस ऐड कर दो, सारा टाइम ऐड कर दो, तो D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3, मतलब कि यहां से लेके आता है ए से लेके डी तक पूरी डिस्टेंस निकाल ली मैंने, कि भैया ये जो पूरी डिस्टेंस है मान लो 50 किलोमीटर, कितनी हो गई है 10 और 5 15 और 12 27 किलोमीटर है, तो ये पूरी 27 किलोमीटर इसने कितने टाइम में ट्रेवल कर ली, तो ये 3.5 घंटे में ट्रेवल कर ली 3.5 आवर्स में। तो मुझे एवरेज निकालना तो मैं बस 27 किलोमीटर और 3.5 आवर्स को कैलकुलेट कर लूंगा, मतलब 27 अपॉन 3.5, तो एवरेज स्पीड आ गई, बस यही फॉर्मूला है इसका। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो एक्चुअल एवरेज वाला फॉर्मूला जो हमने बचपन से पढ़ा था, क्या था बचपन से पढ़ा हुआ एवरेज का फॉर्मूला, कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। जैसे एवरेज मार्क्स निकालने क्लास के, तो कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल मार्क्स, जैसे मान लो किसी को 5 नंबर आए, किसी को 10 नंबर आए, किसी को 12 नंबर आए, किसी को 13 नंबर आए, तो सम करेंगे सबका अपॉन नंबर ऑफ मार्क्स, मतलब कितने बच्चों के मार्क्स मैं इसमें कंसिडर कर रहा हूं, तो यहां पर कितने बच्चों के 4, तो यहां से हमको निकलता है एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज। जैसे अगर 3 वेलोसिटीज है टोटल, मतलब मुझे बोल दिया जाएगा कि भैया मैंने ये जो पूरी डिस्टेंस है ये 3 अलग अलग वेलोसिटीज के साथ में ट्रेवल की, 10 किलोमीटर पर आर, 20 किलोमीटर पर आर और 30 किलोमीटर पर आर, तो मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालने, तो कैसे करेंगे, प्रोवाइडेड कि अगर वो सेम डायरेक्शन, मतलब तीनों को प्लस में ले रहा हूं मैं, तो 10 प्लस 20 प्लस 30 अपॉन क्या करूंगा, अपॉन करूंगा 3, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज कितनी है। जैसे अगर मान लो n नंबर ऑफ वेलोसिटीज है, n मतलब मान लो 10 हो गई, तो मैं नीचे क्या कर दूंगा 10, 11 हो गई तो नीचे 11 कर दूंगा, 12 नंबर ऑफ वेलोसिटीज है तो नीचे 12 कर दूंगा, वैसे अगर n नंबर ऑफ वेलोसिटीज है तो मैं नीचे क्या कर दूंगा n, मतलब एक हमने एक अंदाजा निकाल लिया। चलो बहुत सही, आगे बढ़ते हैं जीवन में। व्हाट इज एक्सेलरेशन? अरे भैया एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी था, वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन है। अरे पहले मोशन का रेट ऑफ चेंज निकाला तो वेलोसिटी निकली, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज निकाला तो एक्सेलरेशन निकल गया,
सिंपल 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 कैसे करोगे, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, खुद ही सोचो, खुद ही सोचो। क्या लिखा है यहां पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब, अरे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन रेट पूछा है अपॉन टाइम, ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो ये जो vf है, अब हम इस चैप्टर के अंदर हम कुछ कन्वेंशन मान के चलते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी उसको हम v मानते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u मानते हैं। ठीक है, जब भी तुमको क्वेश्चन दिया तो मैं ऐसे सॉल्व करोगे, v और u मानोगे अपॉन t। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, v माइनस u अपॉन t। अब इसकी यूनिट क्या होगी, खुद सोचो यूनिट क्या होगी। देखो भाई यहां पे अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में एक वेलोसिटी की यूनिट आएगी, क्या आएगी वो मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो ये हो गया कुछ ऐसा मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे आई है, अरे देखो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी करूंगा तो मीटर पर सेकंड ही आएगी यूनिट। तो ये वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड ये। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो सेकंड सेकंड नीचे डिनोमिनेटर में चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वही चीज होती है जो वेलोसिटी, जो मोशन के लिए होते हैं ना, वही चीज वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन है। ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन वेलोसिटी हुआ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो गया। तो ये मतलब समझो इसको, प्रैक्टिकल दुनिया में देखो क्या होता है कि मान लो कि हमारी गाड़ी चल रही है, मान लो 20 किलोमीटर पर आर पे, अब हमको मजा नहीं आ रहा, तो हमने बोला कि पापा जो वेलोसिटी है उसको थोड़ी सी बढ़ाओ यार, तो पापा क्या करेंगे, एक्सेलरेटर पे पैर डालेंगे। पापा ने एक्सेलरेटर पे पैर रखा तो गाड़ी के साथ क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होने लग गई टाइम के साथ साथ। पहले तो भाई जो भी टाइम था 20 किलोमीटर पर आर के हिसाब से चल रही थी, ठीक है, शुरू के 10 सेकंड भी, एक मिनट, एक घंटे तक बिल्कुल 20 किलोमीटर पर आर में बिल्कुल थकी हुई गाड़ी चल रही है। फिर हमने बोला कि पापा समय के साथ साथ थोड़ी वेलोसिटी बढ़ाओ, मतलब एक्सेलरेशन दो, तो एक्सेलरेशन पैर रखा, एक्सेलरेटर पैर रखा। तो मान लो कि कुछ 10 सेकंड के बाद, वैसे इंस्टेंटली तो ऐसा तो नहीं ना कि क्लिक करते से 40 पे हो जाएगी, तो थोड़ा टाइम लगता है ना। तो मान लो 10 सेकंड के बाद में तुम्हारी जो गाड़ी वो आ गई 40 किलोमीटर पर आर पे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हुई यहां पे, क्या हुई यहां पे, फाइनल वेलोसिटी 40 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 अपॉन टाइम। हालांकि यूनिट गलत है, ऐसे मत करना, क्यों, क्योंकि किलोमीटर पर आर में और सेकंड में, तो तुमको ये भी मीटर पर सेकंड में निकालना पड़ेगा। चलो मान लो कि 20 किलोमीटर पर आर नहीं, 20 मीटर पर सेकंड पे चल रही थी गाड़ी। ठीक है, थोड़ा अपने कन्वीनियंस के लिए हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते गाड़ी के अंदर। तो पहले चल रही थी 20 मीटर पर सेकंड पे, फिर पापा ने जब एक्सेलरेटर दबाया तो 10 सेकंड के अंदर अंदर गाड़ी आ गई 40 मीटर पर सेकंड पे, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, फाइनल 40 माइनस 20 अपॉन 10, तो क्या हो जाएगा ये 20 अपॉन 10, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया इसका एक्सेलरेशन, क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि 2 मीटर पर सेकंड। अब देखो थोड़ा थोड़ा और डिटेल में तुमको बताता हूं, इतना समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, इससे आगे तुमको नहीं सुनना है, पर अगर तुमको थोड़ा और समझाऊं तो ध्यान से देखो, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये क्या है, एक्चुअली ये है 2 मीटर पर सेकंड पर सेकंड, मतलब कि हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड चेंज हो रही है ना। जैसे मान लो अभी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, तो अगले ही सेकंड कितनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड का है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, मतलब 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड पर सेकंड, मतलब हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, जैसे अभी 20 मीटर पर सेकंड है, तो एक सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी 22, उसके बाद कितनी हो जाएगी 24, उसके एक सेकंड बाद कितनी हो जाएगी 26, उसके एक सेकंड कितनी हो जाएगी 28, मतलब हर सेकंड के साथ में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ रही है, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 2 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड मतलब हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, ये अगर तुमको समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा तुम्हारा। चलो अब आते हैं ग्राफ्स के ऊपर। अब ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम क्या क्या देखेंगे, तीन टाइप के ग्राफ होते हैं, पोजिशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, हमेशा ये जो टाइम है ये इंडिपेंडेंट है सबके, तो जो भी इंडिपेंडेंट चीज होती है उसको हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट चीज हमेशा एक्स एक्सिस पे आती है, और जो डिपेंडेंट है, जैसे पोजीशन डिपेंडेंट है, वेलोसिटी डिपेंडेंट है, एक्सेलरेशन डिपेंडेंट, टाइम तो किसी पे फर्क नहीं पड़ता, टाइम को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम तो चलता रहेगा, टाइम को क्या करना। तो तीन ग्राफ जो है हमारे पास में है, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इन तीन ग्राफ्स को हम तीन अलग अलग केसेस में स्टडी करेंगे। कौन कौन से, एक तो जब हमारी बॉडी रेस्ट पे है, एक जब हमारी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, और एक जब हमारी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखो कि जब भी बॉडी एक्सेलरेशन में होगी तो वो कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं हो सकती, यूनिफॉर्म मोशन में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में तो सिर्फ तब होगी जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब कांस्टेंटली स्पीड तो इंक्रीज हो रही है, भले ही पूरे रास्ते यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, पर वेलोसिटी तो हर सेकंड के साथ में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जब भी एक्सेलरेशन है,
तब कभी भी मोशन यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, चलो बॉडी एट रेस्ट की बात करते हैं। तो बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ कैसा होता है, देखो पोजिशन टाइम ग्राफ। तो यहां पर आएगी पोजिशन, पोजिशन को मैं एक्स से रिप्रेजेंट करता हूं और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करता हूं। ये हमारे हो गए एक्स एक्सिस और ये हो गए वाई एक्सिस। तो जब बॉडी रेस्ट पे है तो पोजीशन उसकी वहीं की वहीं रहेगी, पोजीशन चेंज नहीं होगी, मतलब टाइम के साथ साथ पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो टाइम एक सेकंड, दो सेकंड, तीन सेकंड, चार सेकंड ऐसा चलता रहेगा, पर पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो कि मैंने कहीं ऑब्जेक्ट को यहां रखा था, मान लो जैसे एक मीटर, दो मीटर, तो मान लो मैंने कहीं दो मीटर पर रखा था, जैसे मैंने बॉटल, जैसे अपना स्टैंडर्ड ये माना मैंने रेफरेंस स्टैंडर्ड और बॉटल को यहां रख दिया, मतलब मैंने कुछ दो मीटर दूर रख दिया अपने आप से। अब ये यहीं पर पड़ी हुई है, अभी यहीं पर पड़ी हुई है, तो या तो तुम जीरो पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस मैं तुमको समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी ले सकते थे तुम। तो अब क्या हुआ, ये जो है इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ में, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, अरे एक सेकंड, जैसे कि इसकी पोजीशन चेंज हुई, नहीं हुई, नहीं हुई, टाइम बढ़ता जा रहा है पर पोजीशन वही की वही है, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, देखो ध्यान से भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, अरे जब ऑब्जेक्ट यहीं पे है, हिल ही नहीं रहा है, मतलब वेलोसिटी तो पक्का जीरो है, और अगर वेलोसिटी जीरो है मतलब टाइम के साथ में वेलोसिटी जीरो ही है, चेंज नहीं हो रही है, तो ये वेलोसिटी जीरो की जीरो ही रहेगी, ये जीरो पे आएगी। ठीक है, और सेम एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ भी, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ भी ऐसा ही होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ भी जीरो ग्राफ ही होगा, क्यों, क्योंकि भाई एक्सीलरेशन भी नहीं चेंज होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं जीवन में। यूनिफॉर्म मोशन, अब बॉडी काई में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब तुम्हें ग्राफ में एक जादू देखना, ठीक है, तो अब जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो कैसा हो जाएगा, अरे भाई जैसे जैसे एक एक सेकंड बढ़ता जा रहा है, जैसे मान लो वेलोसिटी अगर 2 मीटर पर सेकंड है, तो 2 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ कि हर सेकंड के साथ में पोजीशन 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर चेंज होता रही है, मतलब अगर अभी जीरो पे है तो 1 सेकंड के बाद 2 मीटर पे आएगी, फिर 2 सेकंड के बाद में 4 मीटर पे आएगी, फिर 1 और सेकंड के बाद में 6 मीटर पे आएगी, फिर 1 और सेकंड के बाद में 8 मीटर आएगी, मतलब हर सेकंड के साथ में 2 2 मीटर आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, ये जैसे 1 2 3 4 ऐसा ग्राफ मान लो, और ये है टाइम, टाइम एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस, और ये है पोजीशन टाइम ग्राफ यानी कि वाई एक्सिस। ये एक्स में सिर्फ एक्स हम यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट दिखाने के लिए, तुम एस भी यूज कर सकते हो, डी भी यूज कर सकते हो, कुछ भी कर लो। ठीक है, चलो 1 2 3, अब मान लो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था जीरो पे, ठीक है, अब क्या हुआ, दो कोई भी वेलोसिटी, तो मतलब हर एक सेकंड के साथ में उसकी वेलोसिटी चेंज होती आ रही है और यूनिफॉर्म तरीके से, हर एक सेकंड के साथ में उसकी पोजीशन चेंज होती आ रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म तरीके से, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्लांट, अभी कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अब देखो, अगर ये ग्राफ ऐसा उठा हुआ होता है, मतलब ऐसा होता है, मतलब कि ये कम टाइम में ज्यादा पोजीशन चेंज कर पा रहा है, मतलब कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, और जब ऐसा स्टीप ग्राफ होता है, ये वाला ये जो स्टीप ग्राफ होता है, इसका मतलब क्या है कि टाइम, देखो टाइम तो आगे बहुत तेजी से बढ़ता रहा 4-5 सेकंड, पर इसकी पोजीशन कितनी तेजी से चेंज हो रही, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि यहां पर भी सिर्फ इसने 2 मीटर ही चेंज की। पर अगर ये वाले ग्राफ की बात करूं तो इसने 2-3 सेकंड के अंदर ही इतनी सारी पोजीशन ट्रेवल कर ली, यहां से देखो और यहां से देखो कि कितनी ट्रेवल कर ली। ठीक है, तो मतलब ग्राफ जितना खड़ा होता है, जितना ऐसा मतलब बेस से जितना ज्यादा ऊपर होता है उतनी उसकी वेलोसिटी ज्यादा, और जितना पास में होता है वेलोसिटी कम। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, अरे मैंने क्या बोला कि भैया वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो टाइम के साथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी तो वैसे ही चलती रहेगी जैसे चल रही है। तो मान लो 2 मीटर पर सेकंड थी, 1 2, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा रहेगा, वो स्ट्रेट लाइन रहेगा। और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कैसा रहेगा, अरे भाई जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सीलरेशन होगा तो पक्का वेलोसिटी चेंज होगी, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा यहां पे, जीरो। ये ग्राफ अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हम रिवीजन में एक बार फिर से कर लेंगे, इसकी चिंता मत करो तुम। पर तुम थोड़ा सा एक दो बार इसको रिपीट कर करके देखोगे ना, तुमको अपने आप समझ आएगा, गारंटीड बता रहा हूं। अगर तुमको पहली बार समझ में नहीं आ रहा, फिर से रिपीट करके देख लो। ठीक है, अगला, बॉडी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, बॉडी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यहां पर क्या होगा कि भैया जो हमारी पोजिशन है ऑब्जेक्ट की, वो एक्सपोनेंशियली चेंज होगी, मतलब पहले इतनी चेंज हो रही थी 1 सेकंड में, फिर इतनी चेंज होगी 1 सेकंड में, फिर इतनी चेंज होगी 1 सेकंड में, मतलब कि हर एक सेकंड के साथ में उसकी जो पोजीशन है वो ऐसे चेंज हो रही है, जैसे कि शुरू में मान लो 2 मीटर हुई, फिर 4 मीटर, फिर 6 मीटर, मतलब हर सेकंड के साथ में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो इसलिए इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा सा होगा, कैसा सा होगा, 1 सेकंड, ऐसा सा ग्राफ होगा कुछ इसका, कर्व्ड। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से देखो, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 मान लो ये हो गई हमारी पोजीशन, तो पहले मान लो 1 सेकंड के साथ में सिर्फ ये 1 सेकंड के साथ में सिर्फ इतनी ही हो रही थी, फिर 2 सेकंड के साथ में फिर इतनी हो रही थी, मतलब कि जैसे से, अब देखो यहां पर जो ग्राफ है बिल्कुल ऐसा सा होने लग गया। देखो पहले ये ग्राफ बिल्कुल स्टीप सा बन रहा था, अब ये ग्राफ कुछ ऐसा सा बनने लग गया, मतलब इसकी, मैंने तुमको बताया था कि अगर ग्राफ ऐसा है मतलब वेलोसिटी कम है, अगर ऐसा है तो वेलोसिटी ज्यादा है, पर इस केस में चूंकि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कम से ज्यादा हो रही है, तो पहले ग्राफ ऐसा रहेगा, फिर ऐसा 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 होता जाएगा,
ठीक है, जब तुम खुद से ड्रॉ करोगे तुमको सब समझ आएगा, घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? अरे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, सिंपल सी बात है, ये देखो एक सेकेंड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अरे देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब जैसे जब यूनिफॉर्म मोशन था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, तो पोजीशन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही थी। तो जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो जाएगी। मैंने तुमको क्या बताया कि भाई जो मोशन के लिए वेलोसिटी का जो रिश्ता है, वो रिश्ता वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन का है। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ वीटी, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मैंने क्या बोला कि भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो जैसे मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, तो ये ग्राफ तो सीधा का सीधा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान से अगर तुम देखो तो जो ग्राफ यहां पे ना, वो एक स्टेप नीचे जाते जा रहे हैं। कैसे? जैसे देखो, यहां पर ये दोनों जीरो ग्राफ थे, पोजीशन टाइम ग्राफ था स्ट्रेट लाइन, तो अब दूसरे ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और तीसरे ग्राफ में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये ऐसे ऐसे नीचे आते जा रहे हैं। ठीक है, तो जो रेस्ट के ऊपर पोजीशन टाइम ग्राफ था, वही यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा, और वही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ऊपर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो जाएगा। फिर अब बाकी दोनों तो जीरो है इसमें। अब जैसे यहां पर पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा है, ऐसी स्लांट लाइन, तो यही ग्राफ इधर जाके वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बन जाएगा। ठीक है, बस ऐसा समझो इसको। ठीक है, वेरी नाइस। अब आते हैं भाई मेन चीज काइनेमेटिक इक्वेशंस के ऊपर। भाई देखो, हमारे पास में जो पूरा मोशन चैप्टर है, इसमें मेन जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आते हैं इन तीन फॉर्मूला से जो तुमको बताने वाला हूं। पहला फॉर्मूला क्या है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। तीन फॉर्मूलाज है हमारे पास में, ये और ये, है ना, तीन फॉर्मूलाज है। अब ये फॉर्मूला कैसे बने ये हमको बताना है। अब देखो, यहां पर वी जो है, ये हमको ये क्वेश्चन किस टाइप के सॉल्व करें। जैसे मान लो हमको बोल दिया कि भैया पहले मेरी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर, मान लो मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड, बताओ कितने टाइम में हुई या एक्सेलरेशन क्या हुआ। तो इस टाइप की चीजें, मतलब हर इक्वेशन में तुम देखो तो तुमको यहां पर इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ 5 वैल्यूज से डील कर रहे हैं। कौन कौन सी 5? एक इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक इनिशियल वेलोसिटी, एक एक्सेलरेशन, एक टाइम और एक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हर इक्वेशन में हमको इनमें से कोई ना कोई 3-4 क्वांटिटीज दी हुई है, जिससे हम अगली एक और क्वांटिटी निकाल पाए। जैसे फॉर इंस्टेंस, लेट से कि तुम्हें वी यू और ए दे रखे रखा है और तुमको टाइम निकालना है, तो तुम कैसे निकालोगे? इस वाली से, क्योंकि इसमें वी यू ए और टी चारों है। ठीक है, अब मान लो जैसे कि तुमको वी और यू दे रखा है और ए दे रखा है और तुमको एस निकालना है, तो तुम कौन सी यूज करोगे, ये करोगे कि ये करोगे? ऑब्वियसली ये करोगे, क्योंकि हमारे पास में टाइम तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो अगर टाइम नहीं दिया है तो हम सिर्फ ये क्वेश्चन यूज कर सकते हैं, क्योंकि यही है जिसमें टाइम नहीं। ठीक है, तो तुमको बस ये देखना है कि इन 5 में से कौन सी वैल्यूज दी रखी है, कौन से तुम निकाल सकते हो, और उसके हिसाब से तुमको इन तीनों के साथ में डील करना है। ठीक है, अब इनके 3 ग्राफिकल डेरिवेशन है जो कि ऐसे कैसे उठ के 5 नंबर में आ जाता है। ठीक है, ये मैं तुमको बाद में और भी समझाऊंगा, तुम चिंता मत करो। जब हम ऐसे, अब इसमें हम डेडिकेटेड सेशन भी लेंगे सिर्फ डेरिवेशन के ऊपर, सिर्फ न्यूमेरिकल के ऊपर, वो सब भी लेंगे, बट चैप्टर इस तुमको अभी मुझे समझाना जरूरी है। तो तीनों जो डेरिवेशन है वो अब तुम ध्यान से देखो ग्राफ के साथ में कैसे करेंगे। ये हो सकता है तुमको पहली बार सुनने में समझ में ना आए, बिकॉज फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा सुन लिया तुमने। ठीक है, पर कोई बात नहीं, सिंपल ही, ज्यादा लोड नहीं लेना हमको जीवन के अंदर। ग्राफिकल डेरिवेशन, ठीक है, तो ग्राफ से हमको डिराइव करना है। पहली इक्वेशन कौन सी डिराइव करनी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब जो ग्राफ है वो तुम ध्यान में रखो कि तुमको ड्रॉ कैसा करना है। मैं तुमको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना हूं बता देता हूं, फिर तुम्हारी इक्वेशन अपने आप सॉल्व होने लग जाएगी। पहले तो ये बात ध्यान रखो कि हम तीनों इक्वेशंस डिराइव करने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक इकलौता ऐसा ग्राफ है जिसमें हमको वेलोसिटी भी मिल सकती है, टाइम भी मिल सकता है और एक्सेलरेशन भी मिल सकता है। पोजीशन टाइम ग्राफ में तो हमको एक्सेलरेशन मिलेगा नहीं, हमको ढंग से पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, चलो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है इसको कैसे देखना है। ठीक है, अब देखो दिखाता हूं मैं तुमको। क्या माना हमने कि भैया हमारे पास में एक इनिशियल वेलोसिटी थी कुछ यू, इनिशियल वेलोसिटी थी यू। अब ये इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी देर में हो गई फाइनल वेलोसिटी वी, मतलब अप्रोक्सीमेटली कुछ इतना टाइम लगा। ठीक है, इतना टाइम लगा, ये जो लाइन है, इतना टाइम लगा और इतने टाइम में, देखो यहां से लेके यहां तक का टाइम लगा, और इतने टाइम में जो वेलोसिटी हो गई वी। ठीक है, ये वी वेलोसिटी हो गई। तो बस तुमको एक ही लाइन ड्रॉ करनी है और एक ही लाइन से पूरा ग्राफ बन जाएगा। एक लाइन कौन सी ड्रॉ करनी है, एक इनिशियल वेलोसिटी मान ली और एक फाइनल वेलोसिटी मान ली। अब वो वेलोसिटी की ग्राफ पे आएगा, वेलोसिटी की लाइन पे होगा, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई। फिर थोड़े, अब कितना टाइम लगा, डायरेक्ट तो गई नहीं फाइनल पे, कुछ टाइम तो लगेगा, तो मान लो कुछ इतना अप्रोक्सीमेट टाइम लगा, और ऐसे टाइम लगते लगते लगते
ये यहाँ पर पहुँच गए हमारे पास में, ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी। तो बस तुमको इतना सा ग्राफ ड्रॉ करना है। अब तुमको यहाँ से सारी लाइंस को जोड़ देना है, बस ये लाइन यहाँ से जोड़ दी, ये होगा तुम्हारा ग्राफ तैयार। अब ये जो इतना डिफिकल्ट सा ग्राफ दिख रहा था, ये मैंने तुमको बहुत बता दिया सिंप्लीफाई करके कि कैसे बनाए। कुछ नहीं, एक इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब जितना टाइम के हिसाब से इनिशियल वेलोसिटी और इतना टाइम लगा तो इतने, मतलब ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है, एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर दिया, मतलब कि कुछ इतने टाइम में ये जो टाइम, ये वाला जो टाइम है, ये देखो टाइम एक्सिस के ऊपर ये जो टाइम है, इतने टाइम में ये इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी पर पहुंचा, ठीक है, बस। और हमने सबको जोड़ दिया। अब देखो क्या करना है, अब देखो सिंपल सा है, बस तुमको कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसमें। फर्स्ट इक्वेशन में तो कुछ लिटरली लेजिट कोई दिमाग नहीं लगाना है। क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन में, हमको बस तुमको ये पता नहीं कि तुमको प्रूफ क्या करना है, तो तुम कैसे भी करके प्रूफ कर लोगे, ठीक, कहीं पर अगर दिक्कत आ रही तो जुगाड़ लगा के तुम कहीं से कर लो, ठीक है। देखो मैं तुमको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले OA, OA क्या है, OA क्या है, U के बराबर है, OA U के बराबर है, ठीक है, OE V के बराबर है, ये OE पूरा V के बराबर है फाइनल वेलोसिटी, और OC, ये जो OC है किसके बराबर है, T के बराबर है। अब अगर हम इसको फिगर के हिसाब से देखें तो OA जो है वो CD के बराबर होगा, ठीक है, OE जो है वो CB के बराबर होगा, ऑब्वियसली दिख रहा है ना हमको, एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, तो ये सारी साइड्स बराबर ही होंगी, और जो OC है वो AD के बराबर होगा, ठीक है, चलो बहुत सही। अब चेंज इन वेलोसिटी हमको क्या बताया कि भैया x, हमको देखो इसके अंदर है ना कुछ नहीं है, हमने एक्चुअली ना स्कैम कर दिया बहुत बड़े डेरिवेशन में, हमने ना हमको जो चीज पता है वो ही लिख दिया वापस से। हमको क्या पता था कि भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज अ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी तुमको निकालना है। अब तुम चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो भैया तुमको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी कैसे होगी, बी डी माइनस बी सी हो जाएगी। अरे बी डी माइनस बी सी कैसे हुई, देखो ये बी डी माइनस बी सी है ना, अरे देखो सॉरी BC माइनस DC, वही 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 एक्चुअली वही, तो मैं सोचूं ऐसा कैसे हो गया, BC ये पूरी वेलोसिटी थी माइनस DC, अरे चेंज इन वेलोसिटी चाहिए हमको, तो फाइनल वेलोसिटी तो ये है V, इनिशियल वेलोसिटी ये है U, तो मुझे अगर सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है V माइनस U, तो V माइनस U क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि BD के बराबर, BD क्या हो गया चेंज इन वेलोसिटी, तो BD क्या हो गया BC माइनस DC है ना, वही लिखा है यहां पे। अब BC is equals to BD plus DC. BC जो है वो BD plus DC के बराबर है, यही सब चीजें लिखी हुई, देखो गोल गोल घुमा फिरा के लिखा है, पर है कुछ नहीं इसमें, ठीक है। फिर BC किसके बराबर है, V के बराबर, अभी हमने देखा था V के बराबर है, और DC किसके बराबर है, U के बराबर है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई, BC माइनस DC यानी कि V माइनस U, तो ये देखो BD किसके बराबर हो गया, V माइनस U। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये चीज, अब देखो यहां पर तो तुमको स्लोप से बता रखा है, मैं तुमको दूसरी भाषा में, देखो बहुत सारे तरीके अलग अलग करने के, तो एक तो होगा स्लोप वाला तरीका, एक और तरीका होगा हमको पता है कि भाई चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी हमको पता चल गया वी माइनस यू है, और टाइम क्या है, टाइम अपॉन किसके बराबर है, ओसी के बराबर है, ठीक है, ओसी के बराबर है, तो हमको पता है कि भाई ओसी किसके बराबर होगा, टी के बराबर, यानी कि टाइम कितना टाइम लगा, तो बस यही है, ठीक है, मतलब किया कुछ नहीं हमने, वही चीज को गोल गोल घुमा दिया, और इन्होंने किस हिसाब से कर रखा है यहाँ पे, स्लोप के हिसाब से, ठीक है। अच्छा एक चीज सुनो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमको एक्सेलरेशन था, स्लोप मतलब स्लोप ये होता है कि कितना टेढ़ा है, ठीक है, हालांकि तुमको इसमें डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ये तुम्हारे नाइन्थ क्लास में डिटेल में तुमको नहीं पढ़ाया जाएगा, मैथ्स में जब तुम साइन थीटा कॉस थीटा करोगे तब समझ आएगा, तो अभी के लिए स्लोप वाला कंसेप्ट जान दो। और एक और चीज कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो तुमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है, एरिया मतलब कि ये ग्राफ है, ये लाइन है, तो इस लाइन के अंडर का जो एरिया, मतलब ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक, ये वाला पोर्शन नहीं, ठीक है, सिर्फ ये जो पोर्शन है ना, ये वाला और ये वाला, इसके अंडर जितना भी पोर्शन आ रहा है यहां से लेके यहां तक का जितना भी पोर्शन है, इसका एरिया तुमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है, हर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। तो अभी के लिए खैर ये छोड़ो, अभी के लिए हमने समझ लिया कि वाले पॉइंट को कैसे प्रूव करना है, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, भाई चेंज इन वेलोसिटी तुमको पता है क्या हो जाएगा, BC, बस तुमको यहां पर ये है कि वो जो वैल्यूज तुमको पता है ना ऑलरेडी V और U, उसको तुमको डिस्टेंस के फॉर्म में लिखना और कुछ नहीं करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी हमको पता है आंसर कैसे लाना, BC किसके बराबर है, BC है BD प्लस DC के बराबर, ठीक है। अब मुझे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, BD होगी, तो BD इज इक्वल टू BC माइनस DC, तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस U। अब चेंज इन वेलोसिटी यानी कि BD अपॉन टाइम, टाइम क्या हो जाएगा, OC, तो BD अपॉन OC किसके बराबर हो जाएगा, V माइनस U अपॉन T, तो V माइनस U अपॉन T इज इक्वल टू A है, तो मुझे पता है कि भाई A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T अगर है तो T इधर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, AT इज इक्वल टू V माइनस U, तो V किसके बराबर हो जाएगा, U इधर आ जाएगा, तो U प्लस AT के बराबर। फॉर्मूला वही, ये जो पहली इक्वेशन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला से निकल रही है, A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, इसी फॉर्मूला से पहली इक्वेशन निकल जाएगी। दूसरी इक्वेशन में तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे दिमाग लगाना पड़ेगा, देखो मैंने क्या बोला कि भैया डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है वो एरिया से निकलेगा, तो हमको ये एरिया निकालना। अब देखो दूसरी इक्वेशन क्या है, पहले तो तुम खुद देखो इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब कि तुमको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एस चाहिए, एस कैसे निकालोगे, एरिया निकाल के, तो एरिया ऑफ ग्राफ क्या हो जाएगा,
एरिया ऑफ ग्राफ क्या हो जाएगा, ये पूरा ग्राफ ए बी सी ओ, ये जो पूरा ट्रेपेजियम है इसका ग्राफ, ठीक है। तो इसका ग्राफ निकालने के लिए देखो, अब ध्यान से सुनो, हमको दूसरी इक्वेशन प्रूव करने के लिए ये जो एरिया, इसका एरिया निकालेंगे, इसको हम दो टुकड़ों में बांट के निकालेंगे, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, ठीक है। और तीसरी इक्वेशन का जब हम तीसरी इक्वेशन डिराइव करेंगे तो उसके अंदर हम पूरा एक ट्रेपेजियम मान के चलेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको थोड़ी बहुत वैल्यूज इधर उधर मिल जाए, ताकि हमारा आंसर सही आ जाए। तुमको क्या त्रिकोण ध्यान रखना है, तुमको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि भैया ये जो है, ये जो चीज है, इसका हमको एरिया दो में डिवाइड करके चलना है जब हम दूसरी इक्वेशन निकाल रहे हैं तो, और तीसरी इक्वेशन में तुमको एक ही इसको मान के चलना है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो अब क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया किसका, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, इसका एरिया किसके बराबर हो जाएगा, एस के बराबर। हमको चाहिए क्या, एस इज इक्वल टू चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल प्लस ये ट्रायंगल का एरिया। तो ये रेक्टेंगल का एरिया क्या है, रेक्टेंगल का एरिया है, देखो ये ट्रायंगल का एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी, ये हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी। और रेक्टेंगल का एरिया क्या है, ओ ए इंटू ओ सी, सॉरी रेक्टेंगल का एरिया क्या है, रेक्टेंगल का एरिया है, एक सेकेंड, रेक्टेंगल का एरिया है ओ ए इंटू ओ सी, सही है। यहाँ पर साइन गलत लगी हुई है, एक सेकेंड, वही तो मैं सोचूं प्रॉब्लम हो, ये यहाँ पर आएगा प्लस का साइन, ठीक है। तो किसके बराबर हो जाएगा, अब हमको पता है ओ ए इंटू ओ सी किसके बराबर है, भाई ओ ए किसके बराबर है, यू के बराबर, और ओ सी किसके बराबर है, टी के बराबर। तो ओ ए इंटू ओ सी क्या हो गया, यू टी। फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ हाफ ऐसा कैसा आ गया, बेस क्या है, एडी, एडी किसके बराबर है, टी के बराबर। अब देखो बीडी जो है, बीडी को ध्यान से देखो, बीडी किसके बराबर हो जाएगा, बीडी हमको पता है किसके बराबर है, वी माइनस यू के बराबर है। अब वी माइनस यू को अगर मैं थोड़ी सिंपल भाषा में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, भाई मैं मुझे पता है वी माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए होता है, तो वी माइनस यू किसके बराबर हो जाएगा, एटी के बराबर हो जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बीडी की जो वैल्यू है ये एटी के ही बराबर है, क्योंकि वी माइनस यू तो एटी के बराबर ही है। तो मैं यहां पर बीडी की जगह लिख दूंगा एटी, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू टी, यानी कि एडी इंटू एटी, तो क्या हो जाएगा ये यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। तुमको शुरू शुरू में समझ सकता हूं तुम्हारे दिल की भावना है कि भैया ये क्या बोल रहे हो, हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है कि ये जो कैलकुलेशन हमने कैसे किया, बट एक बार जो डेरिवेशन है इसको तुम पॉज करो, लिख के रखो अपनी कॉपी में, और एक बार फिर आंख बंद करके खुद से लिखो, पक्का याद हो जाएगा। अगर तुम ऐसा आज नहीं करते तो बाद में तकलीफ आएगी, आज कर लोगे तो साल भर याद रहेगा, ठीक है। तीसरी डेरिवेशन के अंदर मैंने तुमको क्या बताया कि हमको ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। तो ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालेंगे, ट्रेपेजियम का एरिया यानी कि ओ ए बी सी, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, ओ ए प्लस बी सी, यानी कि ओ ए प्लस बी सी, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू ओ सी, यानी कि इंटू हाइट अपॉन टू, ठीक है, अपॉन टू, ये हमारे पास में फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला, एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से तुम इसको कैलिब्रेट कर सकते हो। तो ओ ए किसके बराबर है, ये देखो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला आ गया, ओ ए किसके बराबर है, यू, बी सी किसके बराबर है, वी, ओ सी किसके बराबर है, ओ सी टाइम के बराबर, तो यू प्लस वी इंटू टी अपॉन टू, है ना, यू प्लस वी इंटू टी अपॉन टू। अब अगर तुम ध्यान से देखो, अगर खुद देखो कि ये वैल्यू हमको मिल गई, अब इस वैल्यू को हमको कुछ ऐसा करना है कि हमको आंसर में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, ये चाहिए हमको आंसर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। पर इसके अंदर तो टी भी है, और ये जो हमको चाहिए इसमें तो टी है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, किसको सब्सटीट्यूट करूंगा, यहाँ पे टी को सब्सटीट्यूट कर दूंगा। मुझे वो जो एक्सीलरेशन का ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला ना, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, उसी फॉर्मूला से सबको सब्सटीट्यूट करना है यहाँ पे, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, टाइम नहीं चाहिए, तो मैं टाइम की जगह कुछ और लिखूंगा, तो कुछ और कहां से आएगा मेरे पास, इस फॉर्मूला से आएगा, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए। तो v माइनस टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ, अरे भाई टाइम इधर गया और एक्सेलरेशन इधर आ गया, तो t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। तो यहां पर जो t था, जो मुझे हटाना है, मुझे जिसको जो जिसकी जरूरत नहीं है, तो उसको हटाने के लिए मैं यहां से वैल्यू निकाल सकता हूं, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए की, ठीक है, और ग्राफ से भी यही मिलेगी। तो क्या हो जाएगा फाइनली, s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू इंटू t की वैल्यू क्या हो गई, v माइनस यू अपॉन ए। तो ये u प्लस वी इंटू यू माइनस वी किसके बराबर हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के बराबर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू है। फिर यहां से 2 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये आ गया हमारे पास वैल्यू। ये अगर तुमको ग्राफ वाला पार्ट एक बार में नहीं समझ में आया, तो तुम ये जो पूरा पार्ट है इसको फिर से एक बार देख लेना अभी के अभी, ठीक है। अब इसके आते हैं न्यूमेरिकल डेरिवेशन। हालांकि न्यूमेरिकल डेरिवेशन तुम्हारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज्यादा डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, तुमको इनको न्यूमेरिकली, जैसे अभी हमने इसके थ्रू डेरा किया, ऐसे तुमको न्यूमेरिकली डेराइव करना है। अब जनरली क्या है कि ये क्वेश्चन में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम इसको देख लेंगे, क्योंकि सेशन ऑलरेडी लंबा होगा, इतना तुम्हारे हिसाब से मतलब इतना जनरली एग्जाम में डायरेक्टली पूछा नहीं जाता, और तुमको एनसीईआरटी में जब तुम रीड कर लोगे तो वैसे भी तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो बहुत सही, अब आते हैं लास्ट चीज के ऊपर जो कि है सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब इसमें इस चैप्टर में हो सकता है, देखो शुरू का मुझे पता है, शुरू के जो 40 मिनट तुमको बिल्कुल ऐसा दिमाग में खतरनाक समझ में आया होगा,
जो आखिरी के जहां से मैंने ग्राफ चालू किया वहां से तुम्हारा दिमाग थोड़ा चकराना चालू होगा, तो उस पार्ट को तुम फिर से रिवाइंड करके देख लो। सिर्फ 20 मिनट का पार्ट है, 2x पे देखोगे तो एक मिनट में तुम देख पाओगे, 1.5x या 2x में देख लो, ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या होता है भैया, हमने बोला कि ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। वेलोसिटी कभी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती सर्कुलर मोशन में, बस ध्यान रखना। ये क्वेश्चन मैं बार बार तुमसे पूछूंगा पूरे साल में, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? कि भाई ये जो पंखा है, मान लो पंखे को मैंने 5 की स्पीड पे चालू कर दिया, तो क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हुई? अरे नहीं हुई, उसकी सिर्फ स्पीड कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं हुई? क्योंकि सर्कुलर मोशन में हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। जैसे इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन मान लो हमारी ऐसी है, मान लो मैं किसी स्टोन को गोल गोल घुमा रहा हूं, तो स्टोन को गोल गोल घुमा रहा हूं, तो हर इंस्टेंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। जैसे इस इंस्टेंट पे उसकी डायरेक्शन ये है, फिर बिल्कुल अगले इंस्टेंट पे ये हो गई, फिर ऐसी हो गई, फिर ऐसी हो गई, फिर ऐसी हो गई, फिर ऐसी हो गई, ऐसी हो गई, ऐसी हो गई, ऐसा हो के ही तो सर्कुलर घूम रहा है वो। हर इंस्टेंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, भले उसकी स्पीड से, वो पर डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। पहले वो इधर जा रहा था, मान लो उसको मैं छोड़ दूंगा तो वो कैसे जाएगा, टेंजेंशियली जाएगा, वो बताता हूं मैं तुमको आगे। बट ये पहले इस इंस्टेंट पे इतनी थी, फिर ऐसी थी, फिर ऐसी थी, फिर ऐसी थी, फिर ऐसी थी। तो कुल मिला के सर्कुलर मोशन में कभी भी तुम्हारी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं हो सकती है, ठीक है, स्पीड वाली हो सकती है। अब तुमको इसमें वी निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है इसकी, तो कैसे निकाल सकते हो भाई? 2πr/T। जैसे मान लो कि एक सर्कुलर पाथ मैंने ट्रेवल कर लिया, ठीक है, मान लो मैंने यहां से स्टार्ट किया और इसको पूरा ट्रेवल कर लिया। अब तुमको निकालनी है वेलोसिटी कितनी है मेरी, तो वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो भाई? इसका पूरी डिस्टेंस जो मैंने ट्रेवल की, वो मतलब स्पीड निकाल लो, चलो वेलोसिटी मत बोलो, स्पीड बोलो। वेलोसिटी तो अब जब तुमको डायरेक्शन वगैरह सब निकालनी हो, पर अगर मान लो स्पीड चाहिए मुझे सिर्फ, तो स्पीड कैसे निकालूंगा मैं? ये जो पूरा का पूरा मैंने इसकी लेंथ ट्रेवल की है सर्कुलर ग्राउंड के, तो लेंथ मतलब सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस कैसे निकालते? 2πr अपॉन कितना टाइम लगा, तो 2πr/T, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बात तो वही होगी स्पीड के लिए भी। अब देखो वेलोसिटी इसकी क्या होगी, अब वेलोसिटी अगर मान लो मैं वहीं से उठ के वहीं आ गया वापस, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी भी नहीं मिलेगी मुझे, ठीक है। चलो अब एक चीज ध्यान से सुनो, आखिरी चीज, कि अगर मैं इस चीज, अब एक स्टोन को गोल 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 घुमा रहा हूं, तो स्टोन किधर जाएगा भाई? गोल गोल घुमा रहा हूं तो क्या वो गोल 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 घूमते घूमते जाएगा? देखो कार्टूनों में हमको ऐसे ही बताते हैं कि मैंने अगर गोल गोल घुमा के कोई चीज छोड़ी तो वो गोल गोल घूमते घूमते जाते थे, पर जब हमने बचपन में ऐसा ट्राई किया, एक पत्थर बांध के कुछ भी लेके गोल 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 घुमा के उसको फेंका, तो कभी भी गोल गोल नहीं जाती थी। उसको मैंने जैसे फेंका वो वैसे कैसे सीधे चली जाती थी, मतलब कि मैंने जिस इंस्टेंट पे उसको छोड़ा हाथ से, उस इंस्टेंट पे उसकी जो डायरेक्शन थी उस पे वो चली जाएगी। जैसे मान लो कि ये गोल 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 घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो देखो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। अभी इस इंस्टेंट पे इसकी डायरेक्शन ऐसी है, फिर 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 ऐसी है। तो जैसे मान लो मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया, तो इस इंस्टेंट पे इसकी जो डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में टेंजेंशियली, टेंजेंट मतलब क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, टेंजेंट टेंजेंशियली मतलब स्ट्रेट, वैसा कैसा वैसा निकल जाएगा, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा कैसा यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो ये गोल गोल घूमता घूमता नहीं जाएगा, ये ऐसा कैसा बाहर निकलेगा, ऐसा, ठीक है। चलो तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप तुम लोगों को सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैंने तुमको सारी चीजें बहुत मस्ती मजाक में बताई है। कुछ ग्राफ वाले पोर्शन में हो सकता है तुमको थोड़ा सा डाउट है, तुम कमेंट में बता सकते हो अगर तुमको ज्यादा डाउट है, बट पहले उसको कमेंट करने से पहले, हालांकि कमेंट तो करो, कुछ भी जो भी करना करो, ढेर सारे कमेंट करो ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे। पर उसके पहले भी तुम इस वीडियो को 2-3 बार, लास्ट का जो पोर्शन है उसको 1-2 बार देख लोगे, तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए एक चीज ध्यान रखना कि ये नोट्स तुमको मिल जाएंगे, और उसके अलावा जो क्लास लेने वाला हूं मैं सैटरडे और संडे को, उसमें तुमको एनरोल करना है, यूज द कोड PC001। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन, मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो मुझे भी, और पढ़ले को भी @पढ़ले.in और @kaunpranay। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।